हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और आप देखिए, आपके पास चार भाग दिए हुए हैं। पहले भाग में आपको जो समांतर श्रेणी दी हुई है वो है 2, 7, 12 डैश 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 और आगे लिखा हुआ है 10 पदों तक। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला भाग लिख लेते हैं, 2, 7, 12 और ये आपको आगे बोला गया है 10 पदों तक आपको लिखना है। अब यहां से आप ये समझिए कि 10 पदों तक का इसका मतलब है इस समांतर श्रेणी में आपके पास टोटल 10 पद दिए हुए हैं। तो अब हम फॉर्मूला सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दो फॉर्मूले कंटेस्ट करने होंगे। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल एस एन हो जाएगा। S मतलब सम, मतलब योगफल, N मतलब N पदों का। तो देखिए, ये आपके पास आएगा N बटे 2 A प्लस L। एक तो आपके पास ये फॉर्मूला रहता है और एक दूसरा फॉर्मूला और होता है N पदों के योगफल का, जो कि होता है एस एन बराबर N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D। अब यहां पर हम समझ लेते हैं क्या क्या जो चिन्ह है वो किस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो N जो होता है वो पदों की संख्या है। इसी तरीके से जो A है वो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, जो L है वो अंतिम पद दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, और जो आपके पास D है वो समांतर श्रेणी का सारवंतर है। तो आपके पास बेसिकली ये दो फॉर्मूले होते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालने के लिए। अब कोई भी प्रश्न यदि आपके पास आता है समांतर श्रेणियों के योग का, तो आप ध्यान रखो इन दोनों फॉर्मूले के अलावा और कोई भी फॉर्मूला आपके पास नहीं लगेगा। अब ये दोनों फॉर्मूले भी बेसिकली एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है केवल समझने में। तो आप ये देखो, अगर आपके पास समांतर श्रेणी कोई दी हुई है और उसका आपको अंतिम पद भी दिया है, तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि इसमें एल का यूज हो रहा है, एल मतलब अंतिम पद है। लेकिन अगर आपके पास कोई समांतर श्रेणी दी हुई है और अंतिम पद आपको नहीं दिया गया, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि आपको इसमें 2, 7, 12 और डैश डैश 10 पदों तक बुलाया गया है। अब खुद सोचिए आप, क्या इसमें आपको अंतिम पद दिया गया है? इसमें आपको अंतिम पद बिल्कुल नहीं दिया गया है, क्योंकि अंतिम पद का मान न देकर आपको केवल यह बोला गया है कि 10 पदों तक आपको लिखना है। तो अब आप इसमें यदि दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास बिल्कुल सही उत्तर एक बार में आ जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले हम इस समांतर श्रेणी का ए निकाल लेते हैं। तो देखो, ए तो आपके पास 2 आ गया। अगर आप D निकालोगे तो वो 7 - 2 5 आ जाएगा। कुछ छात्र 12 - 7 करेंगे तो वो भी 5 ही आएगा। N आपके पास 10 हो गया, क्योंकि आपको 10 पदों तक ही बोला गया था सम निकालने को, अर्थात योगफल निकालने को। तो देखो, S10 का मतलब है 10 पदों का योगफल। तो देखिए, ये आ जाएगा 10/2। N का मान आपने 10 रख दिया है। 2A, तो देखिए 2 - A का मान आपने 2 निकाल ही लिया, प्लस N की जगह आपने 10 रख दिया -1, और D का मान आप देखिए 5 है, तो आपने 5 लिख दिया। तो आप देखो, 2 से 10 यदि आप कैंसिल करोगे तो ये 5 आ जाएगा, और आपके पास कोष्टक में आ जाएगा 2 - 2 अर्थात 4, प्लस ये देखो 9 है, और 9 का गुणा 5 से करोगे तो 45 आ गया। तो आप ये देखिए कि आपके पास हो जाएगा 5 - 45 + 4 49 होता है, तो 49 - 5 आ गया। जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 245 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपको पहले भाग में समांतर श्रेणी दी हुई थी उसके 10 पदों का योगफल 245 हो जाएगा। तो आपने ये मान इस तरीके से तो निकाल दिया जो कि दूसरा फॉर्मूला था। अभी मैं आपको समझाता हूं कि पहले फॉर्मूले से भी आप कैसे मान निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम मेथड 2 की बात करें, तो मेथड 2 में सबसे पहले तो हम समांतर श्रेणी लिख लेते हैं जो आपको दी गई है, वो है आपके पास 2, 7, 12 और ऐसे आपको लिखा हुआ है 10 पदों तक। अब आप ये देखो कि अगर आप इसमें अंतिम पद निकालना चाहो, तो 10 पदों तक का मतलब तो ये हुआ कि अंतिम पद तो इसका 10वां पद हो जाएगा बेसिकली, और वो A10 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो, A10 आपके पास हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, बराबर A+10 - 1 × D। तो देखिए, A का मान तो 2 था, प्लस ये 9, और D का मान आपके पास 5 आया था। तो आप देखिए, ये आपके पास आ गया 2 + 45 अर्थात 47।
तो इस तरीके से आपने दसवां पद भी निकाल दिया जो कि 47 के बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये श्रेणी लिखी हुई है ये कुछ इस तरीके से लिखी है, 2, 7, 12 और अंतिम पद आपके पास 47 आ गया। और आपको इतना तो ध्यान रखना ही है कि ये टोटल आपके पास कितने पद हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो, आपको निकालना नहीं है दोबारा कि कितने पद हैं, आपको तो बोला ही गया था 10 पद हैं, तो ये आपके पास 10 पद हो चुके हैं। अब यहां से आप देखो, आपके पास ए तो 2 है और एल अर्थात अंतिम पद आपके पास 47 आ चुका है। तो अगर आप फॉर्मूला अब लगाएंगे, मतलब 10 पदों का योगफल, तो S10 निकालोगे। अब आप देखो इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2 a+l करके होता था आपके पास एक फॉर्मूला, यहां पर मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूं तो SN लिख देता हूं अभी। तो देखो S10 आपके पास हो जाएगा 10/2, क्योंकि आप 10 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, a का मान 2 है और l का मान 47 है। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास हो जाएगा 10/2 अर्थात 5। तो S10 = 5 × ये देखो 49 आ गया। तो आप यहां से भी निकाल ले तब भी आपके पास 245 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने देखो a+l वाले फॉर्मूले से निकाला तब भी आपके पास 245 आंसर ही आएगा बस। लेकिन उसमें आपको पहले l आपको निकालना पड़ा जो कि 47 आया था। अगर आप ये फॉर्मूला यूज ना करके ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इन प्रश्न में तो वो काफी आसान पड़ेगा, अदरवाइज आप कर तो दोनों प्रश्न दोनों फॉर्मूले से ही थे। अब ये हमने पहला भाग कर दिया, अब हम हर भाग में केवल एक ही तरीके से आपको बताएंगे। चलिए दूसरा भाग भी देख लेते हैं। दूसरे भाग में जो आपको समांतर श्रेणी दी हुई है वो है -37, -33, -29 और आपको बोला गया है ये 12 पदों तक आपको दी गई है और आपको सभी पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी है -37, -33, -29 से लेकर 12 पदों तक। तो यहां से आपको तुरंत पता लग गया कि n तो आपके पास 12 है, क्योंकि 12 पदों तक की बात हो रही है, मतलब 12 पद लिखे गए हैं। a की बात करेंगे तो a देखो मतलब प्रथम पद, तो ये -37 हो गया। और अगर आप d मतलब सारवंतर की बात करोगे तो आप कोई से भी दो क्रमागत पदों को घटा लो, तो -33 में से आप -37 घटा दो तो आपके पास देखो ये आ जाएगा -33 + 37 अर्थात देखिए d का मान आपके पास 4 आ गया। अब आपने देखिए a निकाल लिया, n निकाल लिया और d निकाल लिया। अब आप फॉर्मूला लगाइए SN = n/2 2a + n-1 × d। तो देखिए अगर आप यहां पर सभी मान लगा दें यहां पर, तो देखिए S 12, क्योंकि n का मान तो 12 था, क्योंकि आपको 12 पदों का योगफल निकालना है। तो 12/2 2a अर्थात 2 का गुणा -37 में करेंगे तो -74 + n की जगह अब आप 12 रख रहे हैं तो 12 - 1 और d का मान आपके पास 4 है। तो देखो 2 से 12 ये 6 बार कैंसिल हो गया आपके पास और आपके पास ये बच जाएगा S 12 = ये 6 आ गया। अब देखिए -74 + अब ये देखो ये 11 है और 4 का गुणा करोगे 11 में तो ये 44 आ जाएगा आपके पास। तो आप देख रहे हो S 12 जो हो जाएगा वो 6। अब देखो इसका जब आप हल करोगे तो -74 + 44 - 30 आएगा, तो आपने 6 × -30 लिख दिया तो ये आपके पास -180 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे भाग में आपके पास 12 पदों का योगफल -180 हो जाएगा। चलिए दूसरे भाग की बात भी हो गई, अब हम तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में जो आपको श्रेणी दी हुई है वो है 0.6, 1.7, 2.8 से लेकर 100 पदों तक। तो देखिए इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। आपको बोला गया है 0.6, 1.7, 2.8 से लेकर आपके पास 100 पदों तक आपको लिखना है। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास पहला पद है 0.6, डी यदि आप निकालोगे तो 1.7 - 0.6 करोगे तो आपके पास d का मान 1.1 आ जाएगा। और यदि आपको देखना होगा कि कितने पदों का योगफल निकालना है तो आप देखो आपको 100 पदों तक बोला गया है अर्थात n का मान 100 हो जाएगा। तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे कि SN = n/2 2a + n-1 × d। तो देखो आप सभी के मान लगा दोगे a n तथा d के, तो S 100 मतलब आपको 100 पदों का योगफल निकालना था, n की वैल्यू आप 100 लगा रहे हैं। तो देखिए 2a अर्थात 2 का गुणा आप 0.6 से करोगे तो 1.2 + n की जगह आप 100 लगा रहे हो तो 100 - 1 × d का मान 0 सॉरी d का मान 1.1 है तो आप 1.1 लगा दीजिएगा।
तो यहां से आप देखो कि आपके पास ये हो जाएगा S100, मतलब 100 पदों का योगफल, ये 50 बार हो जाएगा। अब यहां से आप देखो ये 50 आ गया, 1.2 प्लस, अब ये आप देखो ये 99 है और ये 1.1 आपके पास आया है, तो अगर आप 99 गुणा 1.1 यहां पर लिख देंगे तो आप देखिए जब आप इनको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा S100 बराबर 50, ये 1.2 प्लस, अब आप 1.1 का 99 में गुणा करो तो ये आपके पास आ जाएगा 108.9, तो S100 आपके पास आ जाएगा 50 गुणा, जब आप इन दोनों को भी हल करोगे तो आपके पास 110.1 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो जब आप 110.1 का 50 में गुणा करोगे तो S100 आपके पास ये हो जाएगा 55,050, और ये दशमलव आपको लगाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली S100 मतलब 100 पदों का योगफल आपके पास 5,505 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो तीसरे भाग में आपको एक श्रेणी दी हुई थी समांतर श्रेणी, उसके 100 पदों का योगफल भी ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, इसके चौथे भाग पर। इस भाग में आप देखिए आपको बोला गया है समांतर श्रेणी है 1/15, 1/12, कॉमा 1/10 से लेकर 11 पदों तक। तो आप देखिए इसको भी हल करते हैं। तो देखिए आपके पास चौथे भाग में श्रेणी दी हुई है 1/15, कॉमा 1/12, 1/10 से लेकर 11 पदों तक आपको योगफल निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात आती है कि इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, तो ए आपके पास 1/15 आ गया। अब आप प्रश्न में देखते हैं तो वहां पर तो आपको पहले ही बताया गया था कि ये समांतर श्रेणी है, अर्थात आपको बार बार चेक नहीं करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, आप सीधे एक बार में A2-A1 या A3-A2 करके डी अर्थात सारवांतर निकाल सकते हो। तो देखो डी हम निकालते हैं तो 1/12 - 1/15 आ जाएगा। तो देखो जब आप लासापा लोगे तो वो आपके पास 60 आ गया, तो यहां से आपके पास 5 आ जाएगा और आप देखिए आपके पास ये आ जाएगा -4, तो ये 1/60 आपके पास आ गया। अब यहां से आपके पास देखिए डी भी आ चुका है, ए भी आपने पता कर लिया क्योंकि पहला पद ही था, और आपको एन लिखना है, तो एन तो आप देखो आपको बोला गया है 11 पदों तक, तो एन का मान 11 हो गया। तो अब आप यहां पर देखिए फॉर्मूला लगाएंगे एन पदों के योगफल वाला। तो देखिए आपने फॉर्मूला सीखा था कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, तो आप सभी मान यहां पर लगा देंगे, a का भी d का भी तथा n का भी, तो S11 अर्थात 11 पदों का योगफल, n की जगह अब आप 11 लगा दो, a का मान आप देखो 1/15 लगाओगे तो ये 2/15 हो गया, प्लस n की जगह आप 11 लगाओगे तो ये 11-1 अर्थात 10 हो जाएगा, और d का मान आप 1/60 लगा दो क्योंकि 1/60 आया है यहां पर। अब आप देखिए जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा यहां से S11 = 11/2। अब ये देखो ये 0 से 1 0 ये कट गया, तो 2/15 प्लस 1/6 आपके पास आ गया S11 = 11/2। अब देखो 2/15 प्लस 1/6, तो आप तो सबसे पहले लासापा निकालोगे, तो लासापा आपके पास 30 आ गया, तो यहां से देखिए आपके पास बन जाएगा ये तो 4 हो गया क्योंकि 2 गुणा 2, और यहां पर 5 आ जाएगा, तो S11 है आपके पास हो जाएगा 11/2। और देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आ जाएगा 9/30, अर्थात S11 आपके पास हो जाएगा 11 गुणा 9 मतलब 99/2 गुणा 30 अर्थात 60। जब आप देखिए इसको 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं सरल करना चाहें तो देखिए 3 से यदि आप कैंसिल करोगे तो ये 33 हो जाएगा और ये आपके पास 20 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास 11 पदों का योगफल 33/20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो 33/20 आया है वही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हम प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। अब इस प्रश्न में बोला गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, और आप देखिए आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं। सबसे पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। तो देखिए पहले भाग में जो आपको श्रेणी दी हुई है वो है 7 + 10 = 1/2 + 14 + --— और 84।
तो देखो आप सबसे पहले तो यहां ये देखो क्या आपको यहां पर बोला गया है कि क्या ये समांतर श्रेणियां हैं। अगर आपको नहीं बोला गया है और यदि आपके पास परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो समांतर श्रेणी का अध्याय चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि श्रेणी समांतर श्रेणी हो जाएगी, लेकिन आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप 10 सही 1/2 -7 निकाल के देखो, अर्थात ए टू -A1 करेंगे तो देखो ये आया 21/2 -7, तो ये आपके पास 7/2 आ गया, क्योंकि जब आप लासापा लेंगे और हल करेंगे तो 7/2 आएगा। इसी तरीके से आप 14 सही 14 -10 सही 1/2 निकालोगे, तो 14 -21/2 आ गया, तो देखो ये दोबारा 7/2 आ गया। तो आपने देखा कि चूंकि ये ए टू -A1 और ए थ्री -A2 ये सब बराबर आ रहे हैं, अर्थात अब आप बोल सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में आपके पास आ चुके हैं। अब समांतर श्रेणी में यदि आ चुके हैं तो डी का मान आपके पास आ गया 7/2। दूसरा आप देखो कि समांतर श्रेणी का पहला पद तो आपको तुरंत ऐसे ही दिखाई दे जाएगा जो कि ए से प्रदर्शित किया जाता है, और ये 7 हो गया। अभी आप ये देखो कि योगफल आपको ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का, तो आपने दो फॉर्मूले याद किए थे, एक था एस एन मतलब एन पदों का योगफल N/2 ए प्लस एल, और दूसरा फॉर्मूला था एस एन बराबर N/2 2A+ N-1 × D। तो आप ये देखो कि यहां पर आपके दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं और आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा के आंसर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने प्रश्नावली इसी प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में बताया था। अब यहां पर भी आप कोई भी प्रश्न लगाकर हल कर सकते हो, तो देखो लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप देखो कोई सा भी फॉर्मूला आप देखो, या तो आपको NaL पता होना चाहिए या Na और D पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि N तो आपको पता होना ही चाहिए, मतलब समांतर श्रेणी में कितने पद हैं तो वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर देखो आप कि जो अंतिम पद है मतलब 84 बराबर ये हो जाएगा 7+N-1 × D मतलब 7/2, क्योंकि आपको ये पता करना होगा कि 84 कौन सा पद है, तो आपने ऐसे करके लिख दिया। तो देखिए 84 -7 बराबर ये आ जाएगा N-1 × 7/2। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास देखिए ये 77 आ जाएगा, अर्थात 77 बराबर N-1 और 7/2। तो देखो 7 से 77 ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा, तो N-1 बराबर आपके पास 22 आ जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा कर दोगे अब आप इसमें, तो N बराबर यहाँ से 22+1 अर्थात 23 आ गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको ये पता लग गया कि इस श्रेणी में 23 पद हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो 84 जो पद था वो 23वां पद हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास एन आ चुका है, तो अब कोई भी आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं पहला फॉर्मूला लगा के अभी आपको दिखा देता हूं, मेथड 1, मतलब दोनों मेथड तो बेसिकली फॉर्मूले, हमारे हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से हम मेथड लिख रहे हैं, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एस एन बराबर N/2 A+L। तो आप देखो आपके पास तो 23 पद थे, तो श्रेणी का योगफल अर्थात 23 पदों का योगफल ये हो जाएगा 23/2 A। अब ए आप देखो पहला पद तो आपने बता ही चुके हैं 7, और एल एल हमेशा ध्यान रखें अंतिम पद होता है, तो यहां से आप देखिए अंतिम पद तो आपके पास 84 है, तो आपने एल भी लिख दिया जो कि 84 आ गया। तो आप ए और एल का मान लगा दोगे तो 7+84 आ गया आपके पास, तो यहां से देखिए S 23 ये आपके पास हो जाएगा। यहां से देखिए 23/2 × 84 और 7 को जब आप जोड़ोगे तो 91 आ गया, और यदि आप 23 × 91 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 209, अर्थात 2093/2। तो जब आप इसको भी हल करोगे तो ये आपके पास आ गया 1046 सही 1/2। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप उत्तर में ये भी लिख सकते थे, दोनों ही आपके पास बिल्कुल सही हैं। तो ये आपका मेथड 1 रहा, मतलब आपने जब A+L वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब हम मेथड 2 भी देख लेते हैं जल्दी से। मेथड 2 में आप ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप देखिए आपके पास है एस एन बराबर N/2 2A+N-1 × D। अब आप An तथा D का मान यहां पर लगा दोगे तो N का मान तो 23 था, तो ये आ गया 23/2 2A अर्थात 2 × 7, क्योंकि A का मान 7 था, N का मान आप 23 लगा दीजिएगा और D का मान आपने निकाला ही था, 7/2 आया था। तो आप देखो S 23 बराबर ये आ गया 23/2। अब देखो ये 14 हो गया अपने पास, प्लस ये 22 हो गया और इंटू 7/2,
अर्थात आपके पास 77 बचा केवल। तो इस तरीके से आपके पास एस 23 बच जाएगा, 23 बटे 2 गुणा, अब देखो 14 और 77 यदि आप जोड़ोगे तो 91 ही आएगा। अब मतलब आपको समझ में आ गया कि ये तो आपके पास पिछले मेथड जैसा ही आ रहा है, अर्थात ये आ जाएगा 1046 सही 1/2। तो आप देखिए किसी भी मेथड से आप अपना आंसर निकालें, दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर हम एक बार बस इस बात को गौर कर लेते हैं कि आखिर सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए सेम आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखो n बटे 2 और n बटे 2 दोनों में सेम है, तो बस आपको बेसिकली a प्लस एल को यदि आप इसके बराबर कर दोगे तो आप पता कर लोगे कि सेम तो आएगा ही। तो आप a प्लस एल को लिख लो, अब देखो a को तो a ही लिखो, l मतलब अंतिम पद है, मतलब इस श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है तो l nवा पद हो जाएगा, तो nवा पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, आपने इसका मान रख दिया l का, तो देखो ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो आप यहां से समझ रहे हो कि a प्लस एल को आप ये इस कोष्टक में जो लिखा हुआ वो भी लिख सकते थे, अर्थात ये दोनों आपके पास बराबर ही आ जाएंगे। तो देखो अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं, दूसरे भाग में आपको श्रेणी दी हुई है जिसमें पहला पद है 34, फिर 32, फिर 30 से लेकर 10 तक, और आपको इन सभी पदों का योगफल निकालना है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं, 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 प्लस 10 तक, ये आपको दिया हुआ था। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास a आ गया 34, और आपके पास देखिए यहां पर जो d हो जाएगा वो आ जाएगा 32 माइनस 34, क्योंकि ये समांतर श्रेणी बननी है तो किन्हीं दो पदों का आप अंतर निकाल लो, तो ये माइनस 2 आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो 10 है वो कौन सा पद इस श्रेणी का होगा, तो आप फॉर्मूले से देखोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो आप ये देखिए ए एन मतलब 10 हो गया बराबर, ए की वैल्यू आपने 34 लगा दी प्लस एन, तो आपको निकालना है कि आखिर कितने पद होंगे या 10 कौन सा पद होगा, और डी का मान आप माइनस 2 लगा दो, तो ये आ गया 10 माइनस 34 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस 2। फिर आप देखिए 10 में से यदि आप 34 घटाओगे तो ये माइनस 24 हो गया बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस 2। अब आप देखिए कि ये जो माइनस है 2 के साथ और ये जो माइनस है 24 के साथ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एन माइनस 1 बराबर 24 बटे 2, अर्थात 12 बच गया एन माइनस 1 का मान। तो इस तरीके से आपके पास एन हो जाएगा 12 प्लस 1 अर्थात 13। तो आपने ये पता कर लिया कि जो 10 है वो इस श्रेणी का 13वां पद है, या आप बोल सकते थे कि इस समांतर श्रेणी में टोटल 13 पद हो जाएंगे। तो अभी तो आपको ये ज्ञात करना था कि इस श्रेणी के सभी पदों का योगफल, अर्थात आपको Sn बराबर दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो, तो जैसे यहां पर मैं a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाता हूं, यहां l मतलब अंतिम पद हो जाएगा 10, तो n मतलब 13 हो जाएगा क्योंकि 13 पद हैं आपके पास। तो देखो s 13 बराबर n की वैल्यू 13 बटे 2, a का मान आप देखो 34 हो गया प्लस l मतलब आपके पास 10 आ गया। तो देखिए s 13 बराबर 13 बटे 2 गुणा, इसको जोड़ोगे तो ये 44 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया 22 बार, तो एस 13 आ जाएगा 13 इंटू 22। तो यहां से यदि आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 286। तो इस तरीके से इस भाग दो में जो 13 पदों का योगफल है वो 286 आ जाएगा। अब देखो तीसरे वाले भाग पर चलते हैं, इस तीसरे भाग में आपको जो समांतर श्रेणी दी हुई है वो है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 -230 अंतिम पद आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम, -5 प्लस -8 प्लस -11 डैश 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 प्लस -233। तो आप देख रहे हो जो ये श्रेणी है उसके पद तो आपके पास -5 -8 -11 और -230 हैं, और आपको इनका योगफल निकालना है। तो देखिए a तो सबसे पहले समझ में आ गया कि पहला पद है मतलब -5 हो गया। अभी आपको देखना है कि क्या ये आपके पास समांतर श्रेणी है, तो आप देखो इनका अंतर निकालोगे तो -8 -5 करोगे तो 3 आ गया माइनस का, ये माइनस का 3 आएगा। इसी तरीके से जब आप देखो इनका अंतर निकालोगे तो -11 में से आप -8 हटाओगे तो ये भी -3 आया। तो आपको समझ में आया कि हाँ ये बराबर तो आ रहे हैं आपके पास, अर्थात ये समांतर श्रेणी हो गई,
और जो सार्वंतर हो जाएगा वो ये आपके पास माइनस तीन, जो ये बराबर वैल्यू आती है वही हो जाता है, और जो एल अर्थात अंतिम पद होगा वो माइनस 230 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि आपको सबसे पहले एन तो चाहिए, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। अगर आपको इस श्रेणी के सभी पदों का योगफल निकालना है तो आपको एन तो पता करना होगा कि आखिर इस श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि माइनस 230 इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। तो देखिए आप उसके लिए लगाओगे माइनस 230 बराबर ए प्लस, आपको पता नहीं है कौन सा पद है तो आपने एन मान लिया, इंटू डी का मान माइनस तीन हो गया। तो देखिए माइनस 230 ये माइनस पांच को जब आप पक्षांतर करोगे बाई तरफ तो ये प्लस पांच हो जाएगा बराबर एन माइनस वन गुणा माइनस तीन हो गया। तो अब देखो ये हल करने पर माइनस 225 आ गया बराबर एन माइनस वन गुणा माइनस तीन हो गया। तो आप देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और यहां से देखो अगर आप एन माइनस वन को हल करोगे तो ये 225 बटे तीन आ गया। तो देखिए तीन से यदि आप इसको कैंसिल करोगे 225 को तो ये आपके पास सात और पांच अर्थात 75 आ जाएगा। तो एन माइनस वन यहां पर चूंकि 75 आ गया अर्थात एन का मान 76 आ जाएगा। तो आपने ये पता कर लिया कि जो माइनस 230 है वो इस श्रेणी का 76वां पद है, या आप बोल सकते हैं इस पूरी समांतर श्रेणी में कुल 76 पद आपके पास आएंगे। तो अगर आपको ये पता लग गया कि n का मान 76 है अर्थात 76 पद हैं, तो और उनका योगफल भी आपको ज्ञात करना है, तो आप n का मान 76 लगा दो, s 76 बराबर n की वैल्यू 76 बटे दो, a का मान आप देख सकते हो माइनस पांच है, और l का मान मतलब अंतिम पद माइनस 230 हो जाएगा। तो देखिए s 76 मतलब 76 पदों का योग, देखो 76 बटे दो यदि आप करोगे तो ये 38 आ गया, क्योंकि 2 से 76 ही 38 बार कैंसिल हो जाएगा गुणा। अब ये देखो माइनस पांच और माइनस 230 को यदि आप जोड़ोगे तो ये आपके पास माइनस का 235 हो जाएगा। तो देखिए एस 76, अब आप 38 का गुणा माइनस 235 से करोगे तो ये माइनस तो यहाँ पर आ गया, अब हम गुणा करते हैं तो देखिए ये आपके पास आ गया 0389। तो ये माइनस का 8930 जो होगा वो इस श्रेणी के सभी पदों का योगफल हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या तीन पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक एपी में, और आप देखो आपको पहला भाग दिया हुआ है ए बराबर पांच है, डी बराबर तीन है, और ए एन बराबर 50 है, तो आपको एन और एस एन ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि आपको पहला पद दिया हुआ है ए, सार्वंतर दिया है समांतर श्रेणी का डी, और ए एन मतलब एन वा पद आपको 50 दिया गया है, और आपको एन का मान ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर आपके पास सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, एक तो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ये फॉर्मूला तब आप लगाते हैं जब आपको कोई एनवा पद ज्ञात करना हो, या एनवा पद दिया हो और आपको कुछ और ए एन या डी में कुछ ज्ञात करना हो। और एक दूसरा फॉर्मूला आपके पास होता है एन पदों का योगफल, जो कि होता है एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। एस एन के आपके पास बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं, तो मैं दोनों को यहां लिख देता हूं। तो एन बटे दो ए प्लस एल और होता है एक फॉर्मूला। तो आप देखो आपके पास बेसिकली एक तरीके से दो ही फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो ये है और एक फॉर्मूला एन पदों का योगफल वाला है। तो आपको केवल इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके इन सब मानों को निकालना होता है इस प्रश्नावली में पूरी में। तो देखिए आपके पास ए एन दिया हुआ है, तो अगर आप पहला फॉर्मूला यूज करें तो आपके पास आ जाएगा 50 बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब आप ए तथा डी का मान रख दो तो आपके पास एन आ जाएगा। तो देखिए 50 बराबर ए का मान आपके पास 5 आ गया प्लस एन माइनस वन गुणा डी, देखिए डी का मान आपके पास 3 है यहां पर। तो आप देखिए यहां से आपके पास ये आ जाएगा 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस वन गुणा 3। तो अभी आप देखो यदि आप 50 माइनस 5 करोगे तो ये 45 आ गया बराबर एन माइनस वन गुणा 3। तो देखिए 3 से यदि आप इस 45 को कैंसिल करोगे तो ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस वन आपके पास 15 आ जाएगा अर्थात n का मान आपके पास 15 प्लस 1 आ जाएगा, मतलब n आपके पास 16 आ जाएगा। तो अब चूंकि आपने n का मान निकाल लिया 16 अर्थात आपके पास 16 पद थे टोटल, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि 16वें पद का मान 50 है। तो आप देखो
यहां पर Sn निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले थे, आप कोई भी एक फॉर्मूला लगाकर हल कर सकते हो। यहां पर मैं इस भाग में आपको दोनों फॉर्मूले से एक बार समझा देता हूं। एक फॉर्मूला था आपके पास n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और देखिए दूसरा फॉर्मूला था आपके पास Sn बराबर n बटे दो ए प्लस एल। अब यहां से आप देखो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको ए एन तथा डी का मान ज्ञात हो, और ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको ए एन तथा एल का मान ज्ञात करो। एल मतलब आपको एनवा पद ज्ञात हो, या आप बोल सकते हैं अंतिम पद होता है। तो आप देखो जब आप इस फॉर्मूले से करोगे तो एस एन बराबर एन का मान तो 16 है बटे दो, ए का मान आप देखो आपके पास 5 दिया है तो 2a ये आपके पास 10 हो गया, प्लस एन माइनस वन तो देखिए 16 माइनस एक 15 हो जाएगा, और डी का मान 3 आपको दिया हुआ ही है। फिर आप देख रहे हो एस एन बराबर, अब देखो अगर आप 16 को 2 से विभाजित करोगे तो 8 बार कैंसिल हो गया तो ये 8 आ गया, देखो ये 45 हो गया तो ये 10 प्लस 45 आ गया आपके पास। तो आप देखो एस एन आपके पास हो जाएगा 8 गुणा 45 और 10 55 आ गया, तो आप देखिए एस एन बराबर आपके पास 440 हो जाएगा, क्योंकि 55 गुणा 8 440 होता है। तो इस तरीके से आपके पास एन पदों का योगफल भी आ गया जो कि 440 के बराबर आया। अब हम बात ये कर रहे थे कि आपको एस एन का मान हम दोनों फॉर्मूले से एक बार निकालकर बता देते हैं। तो देखिए जब आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे एस एन बराबर एन का मान तो सेम ही रहेगा जो कि 16 है, ए अर्थात प्रथम पद 5, एल मतलब होता है अंतिम पद, तो आप एन पदों का योगफल निकालने हैं मतलब एनवा पद हो जाएगा अंतिम पद, तो आप देखो वो तो आपके पास 50 है यहां पर। तो आप देखिए आपके पास हो जाएगा एस एन बराबर ये तो हल करने पर 8 आ गया गुणा, अब ये देखो आपके पास 55 आ गया, तो आप हल करोगे तो एस एन बराबर 440 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं आंसर तो आपका हमेशा सेम ही आएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ लेते हैं। देखिए दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि a बराबर तो 7 है, मतलब प्रथम पद आपको दिया हुआ है 7, और a 13 अर्थात 13वां पद आपको 35 दिया हुआ है। अब आपको देखिए यहां से d और s 13 निकालना है, d मतलब सारवंतर और s 13 मतलब 13 पदों का योगफल। तो अभी आप देखो आपके पास a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, एक फॉर्मूला ये होता है। तो यहां से आपको देखो हिंट मिल गई कि n जो है वो 13 है, क्योंकि n का मान आप 13 लगाओगे तभी तो a 13 बन पाएगा, तो आप n का मान 13 लगा दो। तो देखिए आपके पास आ जाएगा a 13 बराबर a प्लस 13 माइनस 1 गुणा d। अब आप मान लगा दीजिएगा जो जो आपके पास मान प्रश्न में दिए हुए हैं। तो देखिए a 13 आपको 35 दिया हुआ है बराबर a का मान 7 दिया हुआ है प्लस ये देखो 12 हो जाएगा और गुणा d। तो आप देखो 35 में से यदि आप 7 घटाओगे मतलब पक्षांतर करोगे तभी तो घटाओगे, तो आपके पास आ जाएगा 12 d बराबर 35 माइनस 7 28 हो गया, तो d का मान 28 बटे 12, जब देखो आप 4 से कैंसिल करोगे तो 7 और ये 3 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास d का मान 7 बटे 3 हो जाएगा। आप देखो आपको d का मान भी ज्ञात करना था, तो आपने यहां से d का मान तो ज्ञात कर लिया काफी आसानी से। अब बात करते हैं कि आपको s 13 निकालना था, मतलब आपको 13 पदों का योगफल भी निकालना है। तो अब आप देखो आप कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लगा देता हूं एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल। तो आप देखो आपको 13 पदों का योगफल निकालना है, इसका मतलब n का मान 13 हो जाएगा। तो s 13 बराबर 13 बटे दो ए मतलब प्रथम पद हो जाएगा 7, l मतलब होता है अंतिम पद। अब चूंकि आपको 13 पदों का योगफल निकालना है तो अंतिम पद जो हो जाएगा वही ए एल सॉरी एल या ए 13 हो जाएगा जो कि आपके पास 35 दिया हुआ है प्रश्न में। तो देखिए s 13 बराबर ये 13 बटे दो गुणा 35 और 7 यदि आप जोड़ोगे तो ये 42 आ गया। तो देखिए 2 से 42 यदि आप कैंसिल करोगे तो ये 21 आ जाएगा, अर्थात अब आपको s 13 निकालना है तो 13 गुणा 21 करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 आ जाएगा और यहां पर 27 आ गया, अर्थात s 13 मतलब 13 पदों का योगफल आपके पास 273 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे भाग में आपको a 12 है मतलब 12वां पद दिया गया है 37, और d आपको 3 दिया हुआ है, आपको a अर्थात प्रथम पद निकालना है और s 12 मतलब 12 पदों का योगफल
ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास ए बार है, मतलब बारहवां पद दिया है और सार्वंतर दिया है। तो ये फॉर्मूला होता था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब यहां से आप देखो, आपको बेसिकली दो चीजें पता लग रही है, एक तो बारहवें पद का मान पता लग रहा है और देखिए n पता लग रहा है बारह है। तो आप n का मान बारह लगाओगे तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा a बारह बराबर a प्लस बारह माइनस वन गुणा डी। तो देखियो आप मान रख दो, ये तो 37 हो जाएगा बराबर a का मान आपको ज्ञात करना है प्लस ये देखो 11 हो गया और d का मान आपको दिया हुआ है 3। तो आपने 3 लिख दिया तो 37 बराबर आपके पास a प्लस 11 गुणा 3 33 आ गया। तो जब आप इसको पक्षांतर करोगे बाई तरफ तो आपके पास a का मान आ जाएगा 37 माइनस 33 अर्थात a बराबर 4 आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब जो प्रथम पद है इस समांतर श्रेणी का वो 4 हो जाएगा। अब आप देखो, आपको तो ये भी बोला गया है कि आपको s 12 ज्ञात करना है अर्थात 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप देखिए आपके पास फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल, एल मतलब होता है अंतिम पद। और आप देखो आपको 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब अंत में जो पद आ रहा होगा वो 12वां पद ही आ रहा होगा। तो यहां से आपको हिंट मिल गई कि एल जो होगा वो ए 12 हो जाएगा अर्थात 37 आ जाएगा। तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा यहां पर, तो एस 12 बराबर एन का मान तो 12 हो गया है, ए प्लस एल, ए का मान आप देखो आपने निकाल ही लिया है 4 है, प्लस एल मतलब अंतिम पद अर्थात 12वां पद, तो 37 आ गया। फिर आप देखो 2 से 12 ये आपका 6 आ जाएगा, एस 12 आपके पास बन जाएगा 6 गुणा, जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 41 आ जाएगा। तो देखिए जब आप ये गुणा करोगे तो आपके पास ये 246 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल 246 हो जाएगा। अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 4 पर। इस भाग में आपको बोला गया है कि ए 3 बराबर 15 मतलब तीसरा पद 15 है, एस 10 बराबर 125 है मतलब 10 पदों का योगफल 125 है। तो आपको डी मतलब सार्वंतर तथा ए 10 मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास फॉर्मूला होता था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहां से आप देखो एन का मान तो बेसिकली 3 आ रहा है यहां से, तो n बराबर 3 लगाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला a 3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d। a 3 आपको दिया हुआ है 15 के बराबर, बराबर a का मान आपको यहां पर देखिए नहीं दिया हुआ है तो आप इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिएगा, प्लस ये देखो आपके पास 2 गुणा d आ गया। तो a प्लस 2d आपके पास 15 आ गया, इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब यहां से आप देखो दूसरा फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्योंकि आपके पास दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ए एन वाला और एक होता है एस एन वाला। तो एस एन वाला फॉर्मूला था एन बटे दो दो ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। फिर आप देखो कि आपको तो एस 10 दिया गया मतलब 10 पदों का योगफल है, तो आप इसमें एन का मान 10 लगा दोगे तो एस 10 बराबर ये आ गया 10 बटे दो टू ए प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी। देखिए एस 10 मतलब ये तो 125 दिया गया है बराबर, जब आप इसे हल करोगे तो 5 आ गया, ये देखो 2a प्लस 9d बन गया, अगर आप 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 25 आ गया। तो यहां से 2a प्लस 9 गुणा डी बराबर 25 आ गया। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो अब आप देखो यहां पर समीकरण संख्या 1 भी a और d का एक रैखिक समीकरण है और समीकरण संख्या 2 में भी a और d का एक रैखिक समीकरण है, तो आप इन दोनों से मान निकाल सकते हैं a तथा d का। अब चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि यूज करें, चाहे विलोपन विधि, चाहे वज्जुगण विधि, ये आप पर पूरा निर्भर करता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि यूज करता हूँ तो यहाँ से मैं a का मान निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा 15 माइनस 2d, इसको मैं समीकरण संख्या 3 बोल देता हूँ। और अब समीकरण 2 व 3 से हम हल करते हैं, तो a का मान समीकरण 3 से मैं समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 गुणा a का मान 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 25 आ गया। बस अब आप इसको हल कर लेंगे तो देखो आपके पास हल करने पर ये हो जाएगा 30 माइनस 4d प्लस 9d बराबर 25। तो देखो ये आपके पास आ गया
प्लस का 5d बराबर, आप 30 को पक्षांतर कर रहे हैं दाईं तरफ तो ये 25 माइनस 30 आ गया, अर्थात 5d आपके पास माइनस 5 आ जाएगा। तो d का मान माइनस 5/5 अर्थात माइनस 1 आ जाएगा। तो बेसिकली इस समांतर श्रेणी का आपके पास d अर्थात सार्वंतर तो आ गया जो कि माइनस 1 के बराबर आया है। अब बात करते हैं कि आपको d के अलावा a10 भी निकालना था, मतलब आपको इसका दसवां पद भी ज्ञात करना था। तो अभी आप देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखिए अगर आपको दसवां पद ज्ञात ही करना है तो आपको a चाहिए होगा उसके लिए। तो देखिए d का मान चूंकि माइनस 1 आया है तो आप इसमें समीकरण संख्या 3 में हो जाएगा a बराबर 15 माइनस 2 और d का मान माइनस 1, तो a बराबर 15 प्लस 2 अर्थात 17 हो गया। तो आपको प्रथम पद अर्थात a भी आ गया 17 के बराबर। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगा के a10 अर्थात दसवां पद ज्ञात कर दोगे। तो देखो a10 बराबर a का मान 17 प्लस 9 ये आ गया हल करने पर और d का मान माइनस 1, तो a10 आपके पास हो जाएगा 17 माइनस 9 अर्थात a10 जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास ये 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इस समांतर श्रेणी का दसवां पद भी आ जाएगा जिसका मान 8 हो जाएगा। तो देखो अब हम पांचवें भाग पर बढ़ते हैं। इसमें आपको d मतलब सार्वंतर दिया है 5, s9 75 दिया गया है मतलब 9 पदों का योगफल, आपको a अर्थात प्रथम पद और a9 मतलब 9वां पद ज्ञात करने को बोला गया है। तो आपके पास समांतर श्रेणी का सार्वंतर और 9 पदों का योगफल आपको दिया हुआ था, आपने वो लिख दिया। अब आप ये देखो कि आपको s9 दिया गया है, आपके पास एक फॉर्मूला था sn का, तो ये था n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देते हैं यहां पर। तो अभी आप ये देखो कि यहां से आपको तुरंत समझ में आ गया s9 75 दिया गया मतलब आप n का मान यहां पर 9 लगा दो तो आपके पास ये बन जाएगा s9 बराबर n 9/2, ये आ जाएगा 2a प्लस n का मान तो आप 9 लगा रहे हो तो 9 माइनस 1 गुणा d आ गया। अब आप यहां पर जो जो मान आपको दिए हुए हैं प्रश्न में वो मान लगा दोगे। तो देखो s9 तो दिया गया है 75 के बराबर बराबर ये आ गया 9/2। अब देखो a का मान आपको नहीं दिया गया तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दो प्लस ये आ गया 8 और d का मान आपके पास 5 है तो ये आपके पास 8 × 5 = 40 हो जाएगा। तो आप देखो 75 बराबर 9/2। अब आप देखो इस कोष्टक से भी दो कॉमन ले पा रहे हैं तो आपने दो बहनिष्ठ लिया तो आपके पास a प्लस 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 75/9 बराबर a प्लस 20। तो यहां से आप देखिए आपके पास a का जो मान आएगा वो आ जाएगा 75/9 माइनस 20। तो जब आप लाथापा लोगे तो a बराबर ये आ गया 75 - 180/20 अर्थात a का मान -105/20 आ गया। अगर आप इसको 5 से विभाजित करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 से विभाजित कर रहे हैं तो आपके पास ये 21 आ जाएगा और ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास a का मान तो आ गया -21/4। आप देखो आपको यहां पर a का मान भी ज्ञात करना था अर्थात प्रथम पद, तो वो आपके पास -21/4 आ चुका है। तो a का मान तो आपने काफी आसानी से ज्ञात कर लिया। अब आपको ज्ञात करना है a9 मतलब आपको 9वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास दो तरीके थे, तो पहला तरीका तो आपके पास वही फॉर्मूला तो सेम ही रहता है n/2 a प्लस l। अब देखो s9 दिया था मतलब आपको 9 पदों का योगफल दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतिम पद है वो 9वां पद बन जाएगा अर्थात l बराबर ही a9 आपके पास हो जाएगा। तो यहां से देखो s9 बराबर 9/2 a प्लस a9 हो जाएगा। यहां पर s9 तो 75 दिया गया था बराबर 9/2, a का मान आप देखो -21/4 आया है प्लस a9 आ गया। तो आप देखो ये आपके पास आ जाएगा 150/9 बराबर -21/4 प्लस a9। तो यहां से आप देख सकते हो कि a9 मतलब 9वां पद जो हो जाएगा वो आ जाएगा 150/9 प्लस 21/4।
तो देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 600 प्लस 21 गुणा 9 यदि आप करोगे तो 189 बटे 36 आ जाएगा। आपने लासापा ले लिया तो A9 मतलब नौवां पद आपके पास आ गया 789 बटे 36। तो इस तरीके से आपके पास नौवां पद आ जाएगा। अब यदि आप इस को अर्थात नौवें पद को दूसरे फॉर्मूले से ज्ञात करना चाहें तो आपके पास फॉर्मूला था दूसरा वाला जिसमें आपने सीखा था कोई भी एनवा पद लिखना हो तो आप लिखते हो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो देखो ए नाइन हो जाएगा आपके पास ए प्लस नौ माइनस वन गुणा डी, तो आप मान लगा दोगे यहां पर। तो ए नाइन तो आपको निकालना ही है, ए का मान आपके पास माइनस का 21/4 आया है प्लस 8 गुणा डी का मान आपके पास 5 आया है। तो ए नाइन आप देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस 21 प्लस 40 और यहां पर बटे 4, तो ये आपके पास आ गया लासापा लेने पर माइनस 21 प्लस 160 बटे 4। तो देखिए यहां से आपके पास ये हो जाएगा ए नाइन बराबर 160 माइनस 21 अर्थात 139 बटे 4। यहां पर ये हमारा अलग आ रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं गलती करी है। चलिए देखते हैं, यहां पर आप देखिए आपके पास ये लासापा में 9 आएगा यहां पर, तो आपने ये गलती करी है यहां पर हमने, इसको हम हटा देते हैं अभी। देखिए ये आ गया यहां पर 9, तो माइनस 105 बटे 9 आपके पास ए का मान आ गया। तो यदि आप ए को जो ये मान आया है इसको 3 से कैंसिल करोगे तो ये माइनस का 35 आ गया और बटे 3 आ गया, तो ए का मान माइनस 35 बटे 3 आपके पास यहां से आ चुका है। तो ए का मान जो आपने माइनस 21 बटे 4 निकाला था वो आपके पास गलत था, क्योंकि इसमें गणना गलत की थी। अब देखो आप हम इसको नए सिरे से एक बार कर देते हैं हल। अब देखिए ए आपके पास आ चुका, अब आप ए नाइन निकालिए। अब तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल अर्थात एल तो ए नाइन ही हो जाएगा क्योंकि एनवा पद है, नौवा पद है सॉरी। तो एस नाइन बराबर 9 बटे 2 ए प्लस ए नाइन आपके पास आ गया यहां से। फिर आप देखिए यहां से एस नाइन तो आपको 75 दिया गया है बराबर 9 बटे 2। अब देखो ए का मान माइनस 35 बटे 3 आया है और ए नाइन आपको निकालना ही है, तो आप देखिए ये आपके पास आ गया 150 बटे 9 प्लस 35 बटे 3 बराबर ए नाइन। तो देखो जब आप इसको हल करोगे तो ए नाइन जब आप इसका लासापा लोगे इन दोनों पदों में तो ये 9 आ गया, तो ये आ जाएगा 150 प्लस 35 इंटू 3 अर्थात ये आपके पास 105 आ जाएगा। तो ये देखो 285 बटे 9 आ गया। अगर आप इसको 3 से कैंसिल करो तो ये सॉरी 255 आपके पास आएगा हल करने पर, तो 3 से कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ गया 85 और ये आ गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि ए नाइन मतलब नौवें पद का मान 85 बटे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने नौवां पद इस मेथड से ज्ञात कर लिया। अब मैं आपको बता रहा था कि यहां पर हम इसको दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं, तो देखिए उस मेथड को भी हम यहां पर समझ लेते हैं। अगर आप यहां पर लिखें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखो अब आपको ए नाइन मतलब नौवां पद ज्ञात करना है, तो ए नाइन बराबर ए प्लस ये नौ माइनस वन अर्थात 8 गुणा डी हो जाएगा। तो आप ये देखो ए नाइन बराबर ए का मान तो आपके पास माइनस 35 बटे 3 आया था 8, डी का मान आप देखो आपके पास 5 आया है तो आपने 5 लगा दिया, तो ए नाइन हो जाएगा माइनस 35 प्लस, देखो जब आप लासापा लोगे तो ये 40 गुणा 3 आ जाएगा बटे 3 आ गया। तो ए नाइन देखो माइनस 35 प्लस 120 लिखा हुआ है ये पूरा, तो ये आपके पास 85 बटे 3 आ गया। तो देखो आपने इस मेथड से भी निकाला तो ए नाइन तो आपके पास सेम ही आएगा। तो ये पूरा आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन आंसर हमेशा बिल्कुल सेम ही आएगा चाहे आप कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा। चलिए अब हम इसके अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 6 पर। तो देखो इसमें आपको बोला गया है कि ए तो आपके पास 2 दिया गया है, डी अर्थात सार्वंतर 8 है और एस एन मतलब 90 दिया गया है मतलब एन पदों का योग, तो आपको एन तथा ए एन ज्ञात करना है। तो आप ये देखो
सबसे पहले तो एस एन बराबर एन बटे दो। अब यहां ए और डी दिया गया है, तो वो वाला फॉर्मूला आप लिखोगे तो 2a + n - 1 इंटू डी आ जाएगा। अब यहां पर आप मान लगा दीजिएगा, तो एस एन तो 90 हो गया, एन आपको पता ही नहीं है कितना है, मान निकालना है तो एन को आपने एन ही रहने दिया। 2a, तो देखिए 2 × a का मान 2 है, तो ये 4 आ गया, प्लस n - 1, और d का मान आपके पास 8 आ गया यहां से। तो यहां से आप देखो कि 90 बराबर n बटे 2, देखो आप इस पूरे कोष्टक से 2 बाहर ले सकते हैं, मतलब वैनिश लिया आपने, तो आपके पास बच जाएगा 2 + n - 1 × 4। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, और यहां से आपके पास आ जाएगा 90 बराबर, देखो n का गुणा अगर आप इस कोष्टक में करेंगे तो 2n + 4n × n - 1 आ गया। तो देखिए 90 बराबर 2n + 4n² - 4n आ गया, अर्थात 4n² - 2n, और देखो 90 को भी आप पक्षांतर कर दो दाईं तरफ, तो -90 = 0 आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको 2 से उभयनिष्ठ ले लें, अर्थात 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2n² - n - 45 आपके पास आ गया। तो देखो 2 को तो आप हटा देते हो, तो अब आप केवल इसको हल करोगे 2n² - n - 45 = 0 को, तो देखिए आपके पास आ जाएगा ये। अब देखो आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको गुणनखंड विधि से करें, चाहे पूर्ण वर्ग बनाकर, चाहे द्विघात सूत्र द्वारा, लेकिन यहां पर गुणनखंड विधि से काफी आसान है, तो उससे ही हल कर लेते हैं। देखो -45 का 2 से गुणा करोगे तो -90 आया, तो आपको -90 के कुछ ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिनको जोड़ने पर -1 आए, तो आपको समझ में आएगा 10 और 9 90 भी होता है, और -10 यदि 9 को कर दें और +9 कर दें तो -1 आएगा। तो 2n² - 10n + 9n - 45 = 0 आ गया। तो देखो आप इसमें से 2n कॉमन ले सकते हो आसानी से, तो आपके पास n - 5 बचेगा। अब आपको इनमें से भी वही कॉमन लेना होगा कुछ ऐसा कि आपके पास कोष्टक n - 5 आए, तो देखो आप 9 कॉमन ले सकते हो, तो n - 5 आ गया यहाँ पर। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये आ गया 2n + 9, और एक कोष्टक में आ जाएगा n - 5 = 0। फिर आप यहां पर ये देखिए कि आपके पास देखो जब इसको हल करोगे तो n - -9/2 आ जाएगा, और इसको हल करोगे तो n = 5 आ जाएगा। अब n जो था वो तो ये हो जाएगा कि पद कौन सा पद है, तो आप ये देखो क्या -9/2 कोई पद हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखें पद कभी भी दशमलव में नहीं हो सकते और ऋणात्मक नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या कभी कोई -10वां पद हो सकता है क्या, या क्या कभी कोई 11.25वां पद हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो आप इसको लिख दीजिएगा असंभव है ये आपके पास, अर्थात अब आप इसको गणना में नहीं लेंगे। तो अब आपके पास जो n बराबर 5 आया वही आपका केवल सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये आया कि जो आपको एस एन दिया था, मतलब n पदों का योगफल था, वो बेसिकली 5 पदों का योगफल था, क्योंकि n का मान 5 आया है। तो n का मान आपके पास आ गया, अब आपको ए एन निकालना है। तो देखिए अब ए एन निकालते हैं, तो ए एन बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था a + n - 1 × d, तो देखिए मान रख दीजिएगा ए एन तो आपको निकालना ही है, ए का मान 2 है, एन का मान 5 है, -1 × d का मान 8 है। ए एन बराबर 2 + देखो ये 4 आ गया, ये आपके पास 8 चल ही रहा है, तो यहां से ए एन ये आ जाएगा 2 + 32, तो ए एन या आप बोल सकते हैं a5, क्योंकि 5 एन का मान 5 आया है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर समझाने के लिए, सॉरी a5 बराबर यही आपके पास ए एन हो जाएगा, बराबर ये 34 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ए एन भी निकाल दिया, जो कि आपके पास 34 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में बढ़ते हैं हम। इसमें आपको a मतलब प्रथम पद दिया हुआ है, a n दिया हुआ है मतलब nवां पद, और s n मतलब n पदों का योगफल 210 दिया गया है। आपको n का मान और d का मान ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि a, an और sn, इससे आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो sn = n/2 a + l। अब l तो आपके पास अंतिम पद होता था, और यहां से यदि आप इसको पढ़ोगे तो ये तो n पदों का योगफल है, इसका मतलब जो अंतिम पद हो जाएगा वो nवां पद हो जाएगा, और आपको अंतिम पद तो दिया गया है an, तो l ही यहां पर an हो जाएगा, जिसका मान 62 हो जाएगा यहां से। तो आप देखो मान लगाओगे तो sn तो आपको 210 दिया गया है,
एन का मान तो आपको पता ही नहीं है कि आखिर कितने पद हैं, लेकिन आपको ए का मान पता है 8 और एल मतलब 62 ही हो जाएगा। तो यहां से आप देखो 210 बराबर एन बटे 2, अगर आप 62 और 8 को जोड़ोगे तो ये 70 आ गया। तो देखो ये 35 हो जाएगा, कैंसिल कर दोगे आप तो एन बराबर आपके पास आ गया 210 बटे 35। तो अगर आप 210 बटे 35 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल 6 पद थे जिनका योगफल आपको दिया हुआ है 210, या आप बोल सकते हैं कि जो छठा पद है वो आपके पास 62 हो जाएगा। अब आपको डी भी ज्ञात करना है। तो देखो आप दो तरीके से डी को ज्ञात कर सकते हो। आप चाहो तो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो, और एक फॉर्मूला और है जिससे आप डी ज्ञात कर सकते हो, वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो आप देखो n का मान आप 6 लगा दो बेसिकली, तो ये आ जाएगा s 6 बराबर 6 बटे 2 2a प्लस 6 माइनस 1 गुणा डी। अब यहां से आप देखो ये तो 3 हो गया, s 6 या आप बोल सकते हैं बेसिकली sn 210 दिया है बराबर ये 3 आ गया, 2a है तो मतलब 2 गुणा 8 करोगे तो ये 16 आ गया, प्लस देखो 6 माइनस 1 यदि आप करोगे तो ये 5 आ गया, और d का मान तो आपको निकालना है। देखिए ये आपके पास कैंसिल करने पर 70 आ गया, तो ये 70 बराबर 16 प्लस 5d आ गया आपके पास, अर्थात 5d आपके पास देखो आ जाएगा 70 माइनस 16 मतलब 54 के बराबर। तो इस तरीके से यदि आप d का मान अब निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 54 बटे 5 के बराबर। तो इस तरीके से आपने d का मान भी ज्ञात कर दिया। अब मैं आपको बोल रहा था कि हम मेथड 2 से भी हल कर सकते हैं, तो मेथड 2 से देखते हैं। इसमें आपको ए एन का यूज करना है, तो ए एन देखो आपको 62 दिया गया है बराबर ए का मान आपको 8 दिया गया है, एन का मान आपके पास 6 आया है इंटू डी आ गया। तो देखो 62 बराबर 8 प्लस 5d हो गया, 8 को पक्षांतर कर दो बाईं तरफ तो 62 माइनस 8 बराबर 5d आ जाएगा। तो आप देखो आपके पास ये आपके हो जाएगा 54 बराबर 5d, तो d का मान आपके पास 54 बटे 5 हो जाएगा। तो आप देखो आप दोनों तरीके से निकाल रहे हैं तो आपके पास d का मान तो सेम ही आएगा, बस दोनों तरीके से मैंने इसलिए निकाला है ताकि आपको और भी मेथड समझ में आए। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 8 पर। तो देखिए भाग संख्या 8 में आपको बोला गया है कि ए एन मतलब एनवे पद का मान 4 है, डी 2 है अर्थात सार्वंतर दिया गया है, एस एन माइनस 14 है मतलब एन पदों का युगफल दिया गया है। आपको एन और ए का मान ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि ए एन दिया गया है, डी दिया गया है और एस एन दिया गया है, अर्थात देखो यहां पर आपके पास फॉर्मूले तो केवल दो ही होते हैं, उन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज कर करके आपको निकालने होते हैं मान। तो यहां से आप देखो ए एन दिया गया है जो कि फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन तो 4 हो गया, ए का मान आपको नहीं पता कुछ भी, एन भी नहीं पता कि आखिर कौन सा पद है, और डी का मान 2 दिया गया है। तो यहां से आप देखो 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2 कर दोगे तो a प्लस 2n बराबर देखो आप इसको पक्षांतर कर दो बाईं तरफ 4 प्लस 2 अर्थात 6 आ जाएगा, इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं जो कि था sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d के बराबर। फिर आप यहां से देखिए कि sn ये आपको माइनस 14 दिया गया है, n तो आपको पता ही नहीं है तो आपने n बटे 2 कर दिया, 2a तो देखो a भी नहीं पता, n माइनस 1 इंटू d आपको देखो यहां पर दिया हुआ है जो कि आपके पास d देखिए आपको दिया हुआ है यहां से 2, तो आपने 2 लगा दिया यहां पर तो माइनस 14 बराबर n बटे 2। देखो आप इस पूरे कोष्टक से 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा a प्लस n माइनस 1। तो यहां से आप देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस 14 बराबर n। अब देखो a प्लस n माइनस 1 है तो अब यहां से आप देखो a का मान निकाल लो, 6 माइनस 2n आ गया और आप इसको यहां पर रख दो तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। तो देखिए माइनस 14 बराबर n, अब देखो अचर पद को आप एक साथ जोड़ लो तो 6 और माइनस 1 यदि आप करोगे तो 5 आ गया, माइनस 2n और n करोगे तो माइनस n आ जाएगा। तो आप देखिए यहां से आ जाएगा माइनस 14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर,
तो देखिए ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस पांच एन माइनस चौदह बराबर जीरो, मतलब आपने पांच एन और एन स्क्वायर दोनों को बाई तरफ पक्षांतर कर दिया। अब आपको ये द्विघात समीकरण दिखाई दिया और आप देख रहे हैं माइनस चौदह का गुणा आप एक से करोगे तो माइनस चौदह आएगा, और आपको ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ने पर माइनस पांच आए, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है माइनस सात और दो हो जाएंगे। तो देखिए ये आ गया एन स्क्वायर माइनस सात एन प्लस दो एन माइनस चौदह बराबर जीरो। तो आप यहां से देखिए कि ये हो जाएगा एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर माइनस सात एन था, तो इसमें से आप एन कॉमन ले लीजिएगा। तो देखो जब आप एन उभयनिष्ठ ले लोगे तो आपके पास एन माइनस सात बचेगा, तो आपको इन दोनों पदों से भी कुछ ऐसा उभयनिष्ठ लेना होगा ताकि एन माइनस सात जरूर बने। तो आप दो कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस सात बराबर जीरो आ जाएगा आपके पास। फिर आप देख रहे हैं आपके पास एक गुणनखंड तो एन माइनस सात हो गया और दूसरा बन जाएगा एन प्लस दो, तो आपने वो लिख दिया। फिर आप यहां से गौर करने पर पाएंगे कि आपके पास यहां से दो मान आएंगे, एक तो एन बराबर सात आ गया, जब आप इसको जीरो के बराबर करोगे तो एन बराबर माइनस दो आया। इसका मतलब तो ये हुआ कि एन बराबर माइनस दो मतलब माइनस दो वह पद आपको दिया हुआ था। आप खुद सोचिए कि क्या कभी कोई पद ऋणात्मक हो सकता है क्या? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि माइनस दस वह पद कोई हो? ऐसा तो कभी संभव ही नहीं होता। तो आप इसको असंभव लिख दीजिएगा और इनकी गणना अब आप नहीं करेंगे। तो आप n बराबर सात जो आया है आपका, यही एक उत्तर हो जाएगा जो कि n का मान आपके पास आ चुका है। अब आप देखो कि आपके पास ये n का मान पूछा था, वो तो आ गया, अब आपको a ज्ञात करना है। तो आप ये देखो कि आपने यहां पर a का मान छह माइनस दो एन लगाया था, ये आप प्रथम समीकरण से देख लो। तो समीकरण एक से आप देख सकते हो n का मान आपके पास ध्यान रखें सात आया है, तो आप यहां पर देखिए लगा दो तो a प्लस दो गुणा एन का मान सात बराबर छः आ जाएगा। तो a प्लस चौदह बराबर छः आ गया आपके पास, तो a आ जाएगा आपके पास छः माइनस चौदह, अर्थात अब आप छः में से चौदह घटाएंगे, तो यहां से आपके पास a का मान माइनस आठ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न में n का मान तो पहले ही निकाल दिया था और अब a का मान भी निकाल दिया है जो कि माइनस आठ के बराबर आया है। अब देखो नौवें भाग में आपको a दिया हुआ है तीन, n दिया हुआ है आठ और s दिया है 192 और आपको d का मान ज्ञात करना है। अब आप यहां पे ये देख लो कि सबसे पहले तो a मतलब प्रथम पद हो गया, n मतलब पदों की संख्या हो गई, s आपको 192 दिया गया है। अब यहां पर आप गौर करो तो आपको ये नहीं बताया गया कि कितने पदों का युगफल है ना, लेकिन आप देख रहे हो कि चूंकि n 8 दिया गया है तो आप अब इसको यही समझिए कि आपके पास ये s जो है वो s 8 है, मतलब 8 पदों का योगफल दिया गया है 192। तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो देखिए आपके पास जब भी योगफल वाला कुछ दिया है मान तो आप योगफल वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे, sn बराबर n बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो यहां पर n का मान तो आप 8 लगा दोगे क्योंकि s 8 आपको दिया है बेसिकली और n 8 आपको यहां पर भी दिया था, तो आप n बराबर 8 लगा दो इसमें, तो आपके पास आ जाएगा s 8 बराबर 8 बटे दो दो ए प्लस n का मान तो आपने 8 लगाया है इंटू डी आ गया। अब आपको जो जो मान पता है इसमें वो आप लगा दो, s 8 192 हो गया बराबर, ये देखो ये कैंसिल हो गया चार बार। अब ये देखो 2a है और a का मान तो आपको 3 दिया है तो ये 6 हो जाएगा प्लस ये 7 हो गया और ये d आ गया। अगर आप 4 से 192 को कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 इंटू 8 मतलब 48 आ गया आपके पास, तो ये आ गया 48 बराबर 6 प्लस 7 d। तो यहां से आप देखो जो आपके पास 7 d होगा वो आ जाएगा 48 माइनस 6 अर्थात 7 d का मान 42 आ गया। तो यहां से आपके पास देखिए d का मान हो जाएगा 42 बटे 7 अर्थात 6 के बराबर। तो इस तरीके से आपने d का मान ज्ञात कर दिया और आप देख सकते हो आपको केवल d का मान ही ज्ञात करने को बोला गया था। अब देखो इस प्रश्न के दसवें भाग को हम हल करते हैं। दसवें भाग में आपको यहां पर l दिया हुआ है 28, s दिया हुआ है 144 और आपको बोला गया है कि कुल 9 पद हैं तो आपको a ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो L समझ लेते हैं, L होता है आपके पास अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म जो होगा आपके पास AP का वो आपको 28 दिया गया है। S यहां पर आपको ये नहीं बोला गया कि कितने पद हैं यहां पर,
लेकिन आपको ये तो बता दिया गया कि 9 पद हैं, तो आप इसको S9 ही माने, तो ये आपके पास 144 हो गया और n आपको 9 दिया गया है और आपको a का मान बताना है। तो देखो जब भी आपको s दिया हो तो आप s वाला फॉर्मूला लगाओगे, मतलब Sn, मतलब n पदों का योगफल n बटे दो, या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस एल वाला। तो यहां से आप देखो Sn, मतलब आप n का मान 9 लगा दोगे यहां पर, क्योंकि आपको सब कुछ 9 पदों के लिए दिया हुआ है, तो S9 बराबर 9 बटे 2 ए प्लस एल आ जाएगा। अब आप यहां पर जो जो मान आपको पता है वो आप मान लगा दोगे। S9 मतलब 9 पदों का योगफल आप देखो 144 दिया गया है, बराबर 9 बटे 2। अब ये देखो ए का मान तो आपको ज्ञात करने को बोला गया है, तो आप इसको ऐसे लिख दो। एल आपको अंतिम पद बेसिकली 28 दिया गया है, तो आपने 28 लिख दिया। तो यहां से आप गौर करने पर पाओगे कि 9 से 144 को कट करोगे तो 16 आ गया, तो ये आ गया 16 बराबर 1 बटे 2 ए प्लस 28। तो यहां से आप देखो कि अगर आप 2 को पक्षांतर करोगे इधर, तो ये आपके पास 16 गुणा 2 हो जाएगा, तो ये आ गया ए प्लस 28। तो यहां से ए प्लस 28 बराबर 16 गुणा 2 मतलब 32 आ गया, तो ए का मान 32 माइनस 28 आ जाएगा, अर्थात अब आपके पास ए का मान 32 माइनस 28 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ए का मान आ चुका है और आप देखिए आपको ए का मान ही ज्ञात करना था। तो अब देखो प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17,25 के कितने पद आपको लेने चाहिए। तो आप देखो बेसिकली आपको बोला गया है कि आपके पास एक एपी दी हुई है जिसका पहला पद आपके पास 9 दिया हुआ है, अगला पद 17, फिर आपको 25 दिया हुआ है पद, और फिर इस तरीके से आपके पास पद चल रहे होंगे, और आपको बोला गया है कि ऐसे कितने पदों का योगफल आपके पास 636 आ जाएगा। तो मान लीजिएगा जो आपके पास पदों की संख्या होनी चाहिए जिनका योगफल आपके पास 636 आए, वो आपके पास n है। अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि Sn जो हो गया वो तो 636 हो गया और आपको n का मान निकालना है। फिर आप यहां से देखो कि इस समांतर श्रेणी का अर्थात AP का प्रथम पद तो आपके पास 9 हो जाएगा, और जब आप सार्वंतर की बात करोगे तो आपके पास वो हो जाएगा 17 माइनस 9 मतलब 8। कुछ छात्र 25 माइनस 17 करेंगे, वो भी कर सकते हैं, वो भी 8 ही आएगा। तो अभी आप देखो आपको बेसिकली Sn दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, और आपको n का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास देखो एक फॉर्मूला होता है योगफल का, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो अभी आप ये देखिए कि यहां से अगर आप Sn का मान 636 रख दो बराबर, n का मान तो पता ही नहीं है तो आपने उसको ऐसे रहने दिया, 2a तो देखो 2 इंटू 9 कर दोगे तो 18 आ गया, प्लस n माइनस 1 और d का मान 8 आ गया। फिर आप देखो कि यहां से इस कोष्टक से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अभी आप कॉमन ले लोगे तो 636 बराबर n बटे 2, आपने 2 उभयनिष्ठ ले लिया तो आपके पास बचा 9 प्लस n माइनस 1 गुणा 4। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, 636 बराबर 9n प्लस 4n n माइनस 1। तो देखिए 636 बराबर 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n आ गया। अब आप देख रहे हो कि 9n में से 4n घटाओगे तो 5n आ गया। तो देखिए दाईं तरफ तो 4n स्क्वायर प्लस 5n बना और बाईं तरफ 636 चल रहा है। फिर आप देखिए कि ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो अब बेसिकली आप देखो कि आपको 636 माइनस में गुणा 4 करना होगा तो आपके पास 2744 आ जाएगा। तो आपको उसके ऐसे गुणनखंड देखने होंगे जिनको जोड़कर 5n आए। तो अब ये ऐसे गुणनखंड आएंगे जो हो सकता है आपको एक बार में क्लिक भी ना करें, तो आप सबसे बेहतर है द्विघात सूत्र यहां पर यूज करिए। तो देखिए n बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, अर्थात 25 प्लस माइनस, यहां माइनस होता था लेकिन माइनस ही पहले से है इसलिए मैंने यहां प्लस कर दिया, 4 गुणा 4 गुणा 636 अर्थात 4 गुणा 4 गुणा 636 यदि आप करोगे
तो आपके पास ये 2544 आ जाएगा, बटे 2a आता था, अर्थात 2 × 4 मतलब 8 हो गया। तो अभी आप ये देखो, जब आप इसको हल करोगे तो n बराबर -5 + -, अब आप देखिए 2544 का यदि आप 4 में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10176 प्लस, देखिए ये 25 है आपके पास, बटे 8 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो कि आपके पास आ जाएगा n बराबर -5 + -, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10201 बटे, हर में 8 चल ही रहा है। तो यहां से देखो n बराबर -5 + -, यदि आप इसका वर्गमूल लेंगे तो आपके पास 101 आ जाएगा, बटे 8 हो गया। तो इसका मतलब n के दो मान आ गए, एक बार तो प्लस साइन ले लो आप और एक बार आप माइनस चिन्ह ले लो। तो आपने माइनस चिन्ह लेकर भी लिख दिया। अब यहां से आप देखो, यदि आप इनको हल करोगे तो ये तो आपके पास आ गया 96 बटे 8, और आप देखो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 106 बटे 2। तो यहां से n बराबर आपके पास 12 आ जाएगा, और यहां से n बर सॉरी यहां पर आपके पास 8 आएगा, यहां पर भी 8 आएगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा -53 बटे 4। तो अब आप देख रहे हो कि n का मान अर्थात पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, और वो भी दशमलव में, तो ये तो आपके पास असंभव ही हो गया। अब यहां से जो n बराबर 12 आया है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो n बराबर 12 का मतलब ये हुआ कि आपको दी गई समांतर श्रेणी के कुल 12 पद लेने थे, जिससे कि आपका जो योगफल है वो 636 बन जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। आपको पदों की संख्या तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए जो जो आपको पता है आप उनको एक बार नोटेशन में लिख लीजिएगा। आपको उस एपी अर्थात समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है 5, अर्थात ए आपको 5 दिया हुआ है। अंतिम पद आपको 45 दिया गया है, अर्थात एल बराबर 45 दिया गया है। आपको योग 400 दिया गया है, अर्थात एस बराबर 400 दिया गया है। और आपको पदों की संख्या बतानी है, अर्थात एन का मान ज्ञात करना है, और सार्वंतर बताना है, अर्थात डी का मान ज्ञात करना है। अब आप यहां से देखो कि आपको पदों की संख्या बतानी है और आपसे जो योगफल दिया है वो 400 दिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पदों की संख्या है उतने पदों का योगफल 400 होना चाहिए, अर्थात एस एन 400 हो गया। अब यहां से आप देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यदि योगफल आपको दिया हो तो आप तुरंत लिख सकते हैं एन बटे 2 ए प्लस एल। तो आप देखो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो एस एन तो आपको देखो 400 दिया है, बराबर एन का मान आपको नहीं पता है, ए का मान आपके पास 5 है और एल का मान 45 है। तो अभी आप देखो 400 बराबर एन बटे 2 गुणा, देखो जब आप इनको हल करोगे तो ये 50 आपके पास आ गया, तो ये आपने इससे सॉल्व किया तो 25 आ गया। फिर आप देखिए, आपसे जब आप 25 को 25 से विभाजित करोगे इस 400 को, तो आपके पास आ जाएगा ये 16 है। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान 16 आ जाएगा, अर्थात जो पदों की संख्या आपसे पूछी थी वो आपके पास 16 आ चुकी है। अब देखिए पदों की संख्या तो आपने निकाल ली, अब आपको बोला गया था कि आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए अब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक तो आपके पास है एस एन बराबर एन बटे 2। अब आप डी वाला एक फॉर्मूला लगाओ, तो ये वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो देखिए ये आपके पास एस एन, तो आपको 400 दिया हुआ था, बराबर एन का मान 16 आया है बटे 2 2a, और ए का मान 5 था तो ये 10 हो गया, प्लस एन का मान 16 है तो ये 15 आ गया, और डी का मान आपको पता ही नहीं है, ये तो निकालना है। तो देखो ये 8 बार, और 8 से ये 400 किया तो 50 बार, तो 50 बराबर 10 + 15 डी आपके पास आ गया, अर्थात 15 डी आपके पास 50 - 10 = 40 आ जाएगा। तो डी का मान 40 बटे 15 आ जाएगा। यदि आप इसको थोड़ा सरल कर लें तो आप पाएंगे कि 5 से ये 3 बार कट जाएगा और ये 8 बार। तो इस तरीके से डी अर्थात जो सार्वंतर होगा वो 8/3 आ जाएगा। तो देखिए आपने सार्वंतर भी निकाल लिया एक मेथड से,
अब हम दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं कि दूसरे मेथड से अगर सार्वंतर निकालना होता तो कैसे निकालते। तो यहां पर मैं मेथड टू लिख लेता हूं और यहां पर मैं मेथड वन लिख रहा हूं। ध्यान रखें ये अब मैं सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा मेथड लिख रहा हूं क्योंकि एन तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। तो आप देखो आपके पास एक ये भी फॉर्मूला था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप देखो ए एन का मतलब तो ये हुआ कि एनवा पद। अब यहां से आप ये भी देखो कि अगर उस श्रेणी में एन ही पद हैं तो ये जो एनवा पद होगा वो तो अंतिम पद हो जाएगा। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्योंकि ए एन तो एल के बराबर हो गया। तो आप देखो एल का मान तो आपको दिया हुआ था प्रश्न में, अंतिम पद आपके पास 45 था, ए का मान आपको 5 दिया गया है, प्लस देखो ये आपके पास 15 हो जाएगा क्योंकि एन का मान 16 था और ये डी आ गया। तो यहां से 15 डी बराबर, आप जब इसको पक्षांतर करोगे बाई तरफ तो ये 45 माइनस 5 हो जाएगा, तो 15 डी बराबर 40 आ गया। तो डी का मान 40 बटे 15 अर्थात हल करने पर आपके पास डी का मान 8/3 हो जाएगा। तो देखिए आपने दोनों मेथड से निकाल के देख लिया, आपके पास हमेशा उत्तर सेम ही आएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आप कोई सा भी मेथड सार्वंतर निकालने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 दिया गया है तो आपको बताना है कि इसमें कितने पद हैं और इनका योग भी आपको बताना है कि क्या होगा। तो अभी आप देखो जो जो आपको दिया गया है आप एक बार उनको नोटेशन में लिख लो। देखो प्रथम पद आपको बोला गया है 17 के बराबर, तो ए बराबर 17 आ गया। आप आगे देख रहे हो तो आपको अंतिम पद दिया हुआ 350 के बराबर, अर्थात जो एल होगा वो 350 आ गया। फिर आप देख रहे हैं आपको सार्वंतर दिया गया है 9, अर्थात डी का मान 9 आ जाएगा। तो आपको बोला गया है कि इसमें कितने पद हैं, अर्थात आपको पदों की संख्या बतानी है एन, और आप देखिए आपको योग भी बताना है अर्थात उन सभी एन पदों का योगफल आपको बताना है, मतलब आपको एस एन बताना है। तो देखिए आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एल दिया हुआ है, और आपको पदों की संख्या बतानी है और उनका योगफल बताना है। तो आप देखो सबसे पहले तो जो एल होगा वो तो अंतिम पद होगा। अब यदि किसी श्रेणी में एन पद हैं तो अंतिम पद ही तो आपका एनवा पद कहा जाएगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही है एनवे पद का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। फिर आप देखो ए एन मतलब एल हो जाएगा ये, तो एल बराबर ए एन तो आपको पता लग ही गया, तो ए एन का मान आप रख दो, आप 350 लग दिया आपने, बराबर ए का मान 17 प्लस एन माइनस वन और डी का मान 9 आ जाएगा। तो आप देखो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस वन गुणा 9 आ गया, अर्थात एन माइनस वन गुणा 9 बराबर, देखो 350 में से यदि आप 17 घटाओगे तो आपके पास 333 आ जाएगा। अगर आप देखो 9 से 333 को भाग दें तो आपके पास ये आ जाएगा 37 के बराबर, अर्थात n माइनस वन 37 आ गया, तो n का मान 38 आ गया। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि उस श्रेणी में आपके पास 38 पद हो जाएंगे। तो देखिए आपको ये तो पूछा ही गया था कि कितने पद होंगे, तो वो तो आपने निकाल लिया कि टोटल 38 पद आएंगे। अब आपको बोला गया है कि आपको एस एन निकालना है, मतलब उन पदों का योगफल, या आप बोल सकते हैं उन 38 पदों का योगफल। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। तो यहां से आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आप लिख सकते हो जो एस अर्थात सम आएगा 38 पदों का वो आ जाएगा 38/2, ए का मान 17 है और एल का मान 350 है। तो देखिए 38/2 ये 19 आ गया आपके पास, तो ये 19 गुणा अगर आप 317 और 350 को जोड़ोगे तो ये 367 आ गया, ये एस 38 चल रहा है अपने पास। तो इस तरीके से एस 38 जब आप हल करोगे 19 गुणा 367 तो ये आपके पास हो जाएगा 69, तो ये 6973 आ गया। तो यही आपके पास उन 38 पदों का योगफल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। तो देखो प्रश्न संख्या 7 में आपको बोला गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए
जिसमें d बराबर तो 7 दिया गया है और 22वां पद 149 दिया गया है। तो देखो सबसे पहले तो आप देख लो कि 22 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है, अर्थात s 22 ज्ञात आपको करना है। फिर आप देख रहे हो आपको d तो दिया है 7 और 22वां पद 149 दिया गया है, अर्थात a 22 आपको 149 बोला गया है। तो आप देखो आपने तो एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब भी कोई पद दिया हो या निकालना हो तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अगर आपको ए 22 दिया गया है तो आपको पता लग गया कि एन का मान आपको 22 लगा देना है इसमें, तो आप इसमें एन का मान 22 लगा दो। तो यहां से हो जाएगा ए 22 बराबर ए प्लस 22 माइनस एक गुणा डी। तो अभी आप ये देखो कि ए 22 तो 149 दिया था, बराबर ए का मान आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, 22 माइनस एक 21 हो गया और डी का मान आप देखो 7 हो गया। तो ये 149 बराबर ए प्लस 21 गुणा 7 यदि आप करोगे तो 147 आ गया। तो जब इसको पक्षांतर करोगे बाई तरफ तो ए बराबर 149 माइनस 147 अर्थात 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहला पद तो निकाल दिया जो कि 2 के बराबर आया है। अब आपसे तो बोला गया है कि आपको प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आपके पास एस एन का एक फॉर्मूला था एन बटे दो। देखो जब आपको ए पता है, डी भी पता है और एन भी बेसिकली पता है क्योंकि 22 पदों का योगफल है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का अब आप यूज करेंगे, तो देखिए एन का मान तो आप 22 लगा रहे हो तो आपके पास आ जाएगा एस 22, मतलब 22 पदों का योगफल 22 बटे दो। देखो 2 इंटू ए का मान आपके पास 2 आया है तो आपने 2 गुणा 2 कर दिया, प्लस एन की जगह आप 22 लगा रहे हैं और डी का मान आपके पास 7 आया है। तो यहां से देखो 2 से 22 यदि आप कैंसिल करोगे तो ये 11 बार कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास एस 22 अर्थात प्रथम 22 पदों का योगफल हो जाएगा 11 है। अब देखिए ये आपके पास 4 हो गया, प्लस ये देखो 21 गुणा 7 अर्थात 147 आ गया, तो आप देखिए 11 गुणा 151 आपके पास आ गया है। अब आप 11 गुणा 151 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1661। तो इस तरीके से 1661 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहां बोला गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 तथा 18 हैं। तो आप देखो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है आप उनको नोटेशन में लिख लो। तो आपके पास दूसरा पद दिया है अर्थात ए टू दिया है 14, और तीसरा पद दिया है अर्थात ए थ्री, वो आपके पास 18 दिया हुआ है, और आपको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो देखो जब आप एन का मान 2 लगाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा ए टू बराबर ए प्लस 2 माइनस वन गुणा डी। इस तरीके से ए टू बराबर ए प्लस डी बन गया, और आपने यहां पर एन बराबर 2 लगाया था, लेकिन यदि आप एन बराबर 3 लगाते तो आपको पास बन जाता ए थ्री बराबर ए प्लस 3 माइनस एक अर्थात 2 डी। तो आप देखो आपके पास 2 समीकरण बेसिकली आ गए, अब आप मान लगा दो जो आपको दिए हुए हैं। तो देखो यहां से आपके पास आ जाएगा ए प्लस 2d बराबर ए थ्री मतलब 18, ये आप पहला समीकरण मान लो, और यहां से आप लिखोगे ए प्लस डी बराबर ए टू मतलब 14, तो आप इसको दूसरा समीकरण मान लो। तो अभी आप देखो आपको ए और डी में 2 रैखिक समीकरण दिखाई दे रहे हैं, तो आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्जोगुणन विधि से इनको हल कर सकते हैं। सबसे आसान आपके पास यहां पर विलोपन विधि रहेगी। तो देखिए मैं एक समीकरण के नीचे दूसरा समीकरण लिख देता हूं, ए प्लस डी बराबर 14। अगर आप समीकरण एक में से समीकरण 2 घटा दें तो आपके पास देखो ये चिन्ह परिवर्तित हो गया, तो जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस आपने कर दिया। तो देखो ए से ये माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको यहां पर मिल रहा है 2d माइनस डी बराबर, दाएं पक्ष में आपको मिलेगा 18 माइनस 14। तो इस तरीके से डी का मान आपके पास 4 आ गया, डी अर्थात आपके पास उस श्रेणी का सार्वंतर आ गया। अब चूंकि आपके पास सार्वंतर आ गया है तो अब आपको प्रथम पद भी निकालना होगा, तो आप समीकरण एक या दो किसी का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर हम समीकरण 2 से देखें तो ए प्लस डी का मान आप 4 लगा दो बराबर 14 आ जाएगा,
तो इस तरीके से आपके पास ए का मान 10 आ जाएगा। तो बेसिकली आपने प्रथम पद भी निकाल लिया और सार्वंतर भी निकाल लिया। अब आप देखो, आपको तो प्रश्न में बोला गया था कि आपको प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो योग फल का तो फॉर्मूला आपके पास एक ही फॉर्मूला है, एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप देखो, आपको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात आपको क्लियर हो गया है कि एन का मान 51 होना चाहिए। तो इस तरीके से एस 51 ये हो जाएगा 51 बटे दो। अब देखो 2a, तो a का मान आपके पास 10 आ चुका है, प्लस n का मान तो 51 है ही, और d का मान 4 करना है आपको। तो देखो s 51 ये हो जाएगा 51 बटे 2। अब ये देखो हल करने पर ये 20 आ गया, प्लस अब ये देखो 50 है और 4 का गुणा करोगे तो ये आपके पास 200 आ गया। तो इस तरीके से जब आप इसको आगे और हल करोगे तो एस 51 मतलब 51 पदों का योगफल आपके पास आ गया 51 बटे 2 गुणा ये देखो आपके पास 220 बन गया। अगर आप 2 से 220 को कैंसिल करोगे तो 110 आ जाएगा। तो अभी आप देखो 110 का आप 51 में गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5610। तो इस तरीके से प्रथम 51 पदों का योगफल आपके पास 5610 हो जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहां से आप देखो, आपको योगफल के बारे में बोला गया है तो आप यहां से देखकर लिख सकते हो कि 7 पदों का योगफल 49 है, अर्थात एस 7 आपके पास 49 हो गया। और इसी तरीके से आप देखो, प्रथम 17 पदों का योगफल यदि 289 है तो एस 17 है आपके पास 289 हो जाएगा। फिर आप यहां से ये देख रहे हैं कि बेसिकली आपको योग ही निकालना है और योग ही आपको कुछ पदों का दिया हुआ है, तो आपके पास कुछ पदों के योगफल अर्थात एन पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे दो दो ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। तो देखो, जब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे और जो जो आपको दिया हुआ है उनको भी आप ध्यान रखोगे तो जो एस 7 हो जाएगा वो हो जाएगा 7 बटे दो दो ए प्लस 7 माइनस एक गुणा डी। तो यहां से आप देखो, एस 7 तो आपके पास 49 है बराबर 7 बटे दो। अब ये देखो, ये 2a हो गया प्लस ये हल करने पर 6d आ जाएगा, तो 7 से यदि आप 49 को भाग करोगे तो ये 7 आ गया आपके पास। तो इस तरीके से देखो, ये 7 बराबर, देखो आप इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 बटे दो ए प्लस 3d आ गया। तो यहां से देखो a प्लस 3d आपके पास 7 के बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। फिर आप देखते हैं कि आपको एस 17 भी दिया था, तो देखिए एस 17 आपके पास बन जाएगा 17 बटे दो दो ए प्लस 17 माइनस एक गुणा डी। देखो एस 17 तो आपको 289 दिया है तो आप 289 लिख दो यहां पर, 17 बटे दो देखो दो ए प्लस देखो ये 16d आ जाएगा। अगर आप 17 से 289 को कट करोगे तो 17 बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपके पास आएगा 17 बराबर 1 बटे दो। अब देखो आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आ गया a प्लस 8d, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो यहां से आपके पास एक समीकरण और बन जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। फिर आप देख रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं पहले समीकरण को यहां पर लिख दूं और यहां पर अगर हम विलोपन विधि यूज करें तो देखिए आप घटाएंगे तो घटाने पर आपके पास समीकरण एक के सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं अर्थात प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो आप देखो कि आपके पास ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, बाएं पक्ष में बचा 8d माइनस 3d बराबर, दाएं पक्ष में बचेगा 17 माइनस 7। तो देखो ये हल करने पर 5d बराबर 17 माइनस 7 करोगे तो 10 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास डी का मान 2 आ गया। अब आपने देखिए डी का मान तो निकाल दिया, अब आप किसी भी समीकरण को पकड़ लीजिएगा अर्थात एक या दो में से किसी भी समीकरण से ए का मान भी निकाल सकते हैं। तो यदि हम समीकरण एक का सहारा लें तो आप देखो ए प्लस 3
डी का मान लगाना होगा, और डी का मान तो आप निकाल चुके हैं, दो के बराबर है, बराबर सात आ गया। तो ए प्लस छः बराबर सात आ गया, तो ए बराबर, देखो छः को पक्षांतर कर दोगे तो सात माइनस छः बचेगा, अर्थात ए का मान आपके पास एक आ जाएगा। तो अभी आप देखो, आपने डी का मान अर्थात सार्वंतर निकाल दिया, और ए का मान अर्थात उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी निकाल दिया है। आपसे तो बोला गया था कि आपको एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो फॉर्मूला तो आपके पास वही रहेगा कि एफ एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब चूंकि एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब एन की जगह तो एन ही रहेगा। तो देखिए एफ एन बराबर एन बटे दो, ए का मान आप वन लगा दो, अब तो दो गुणा एक दो आ जाएगा, प्लस एन की जगह एन ही रहा, और डी का मान आप दो लगा दीजिएगा। तो देखिए एस एन बराबर एन बटे दो, यहां पर हो जाएगा दो प्लस, देखो आप गुणा करोगे दो का दो एन आ जाएगा, फिर दो का गुणा माइनस एक में करोगे तो माइनस दो आ जाएगा। फिर आप यहां से देख रहे हैं कि माइनस दो और प्लस दो आपके पास ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा एस एन बराबर एन बटे दो गुणा, केवल दो एन बचा है, तो आप यहां से देखिए कि दो से दो तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से एस एन एन स्क्वायर आ जाएगा। अर्थात जो आपसे n पदों का योगफल बोला था वो n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो देखो प्रश्न संख्या 10 में आपको बोला गया है कि दर्शाइए कि a1, a2 डैश डैश an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। और आपको देखिए दो भाग दिए हुए हैं, पहले भाग में an दिया हुआ है, दूसरे भाग में, और आपको आगे बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में आपको प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अभी आप देखो कि आपको पहला भाग अगर हम ले लें तो उसमें आपको दिया हुआ है an बराबर 3 प्लस 4n। फिर आपको बोला गया है कि आपको पहले तो ये दर्शाना है कि a1 a2 a3 ऐसे बहुत सारे पद यदि आप निकालोगे तो उनसे एक ap बनेगी। तो देखिए अगर आपके पास an है तो आपको यदि a1 निकालना होगा अर्थात प्रथम पद निकालना होगा तो आप n का मान एक रख देंगे। तो देखिए वो आ जाएगा 3 प्लस 4 गुणा 1, तो आप देखो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप n का मान 2 रख दोगे तो a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 2, तो देखो ये 8 आ गया, और 3 जोड़ोगे तो 11 आ गया। इसी तरीके से आप देखिए अगर आप a3 निकालोगे अर्थात आप n का मान 3 रख दोगे इसमें, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4, और n का मान 3 रखने पर ये आ जाएगा, तो ये देखो 12 है और 3 ये 15 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिएगा एक पद हम और निकाल लेते हैं a4, मतलब अब आपको n का मान 4 रखना पड़ेगा इसमें, तो देखिए 3 प्लस 4 गुणा 4 हो जाएगा, तो ये देखो 16 आ गया, और 3 जोड़ोगे तो ये 19 आ गया। मतलब आपने देखिए 4 पद तो निकाल दिए, तो आपको कोई भी अगर एपी चेक करनी है तो आपको श्रृंखला के 3-4 पद चाहिए होते हैं। फिर आप देखिए क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं, जैसे a2 माइनस a1 निकालिए तो आपके पास आ जाएगा 11 माइनस 7 अर्थात 4। फिर आप a3 माइनस a2 भी निकाल कर देखेंगे तो वो भी देखो 15 माइनस 11 4 आ रहा है। अब आप a4 माइनस a3 निकाल कर देखिए तो वो 19 माइनस 15 करोगे तो वो भी आप देखिए 4 ही आ रहा है। तो आपने यहां पर देखा कि ये सभी क्रमागत पदों के अंतर तो बराबर आ रहे हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि an बराबर 3 प्लस 4n जो आपको दिया हुआ था ये एक समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करेगा। तो आप लिख दीजिएगा ये इसको व्यक्त करता है। तो यहां से आपने देखिए इस बात को तो दर्शा दिया कि जो ये an दिया है वो एक समांतर श्रेणी बनाएगा, और आपको ये दर्शाने को बोला गया था। अब ये आपके पास बेसिकली रहा मेथड एक कि हमने समांतर श्रेणी में जो दर्शाया है हमने n की वैल्यू को अलग अलग माना, 1, 2, 3 ऐसे करके माना, और फिर हमने चेक कर लिया। अब हम इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि आखिर हम दूसरे तरीके से कैसे बता पाएंगे। तो मेथड टू से देखते हैं। तो ध्यान रखें मेथड टू में अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप ये देखो कि यहां से an बराबर देखो a प्लस ये आ जाएगा n d माइनस डी, तो an बराबर देखो यहां पर
आप एन के पद एक तरफ कर लो और जो बाकी बचे कुछ पद हैं वो एक तरफ कर लो, अर्थात ए और माइनस डी को आप एक साथ कर लो और आप एन को एक साथ कर लोगे तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो ध्यान रखें, जब भी अगर किसी समांतर श्रेणी का कोई आप व्यापक पद लिख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें वो एन में एक रैखिक समीकरण होता है। तो आप देख सकते हो ये आपके पास बेसिकली एक अचर पद होगा, ये डी भी एक कांस्टेंट की तरह आप मान सकते हो और एन में केवल आ रहा है। तो जब भी आपके पास ए एन एन में एक रैखिक समीकरण दिया हो तो आप बोल सकते हैं कि ए एन एक समांतर श्रेणी अर्थात एपी को व्यक्त करेगा। तो देखिए ये हमेशा बात के लिए हर किसी के लिए ट्रू है, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी के व्यापक पद के लिए। अब आप देखो कि आपको जो प्रश्न में ए एन दिया है पहले भाग में, वो तो आपके पास देखिए ये दिया हुआ है 3+4n। तो देखिए 3+4n दिया है तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास ए एन दिया है वो n में एक रैखिक समीकरण है। तो यहां से आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ये ए एन जो होगा वो एक एपी को प्रदर्शित कर जाएगा। और ध्यान रखें जो n का गुणांक होता है उसे हम सार्वंतर बोलते हैं, तो d बेसिकली यहां से 4 हो जाएगा और a माइनस डी आप देखिए यहां से 3 के बराबर हो जाएगा। तो एक तरीके से दर्शाने के तरीके तो आपने दो तरीके से सीख लिया कैसे कैसे हम दर्शा सकते हैं। अब हम से बोला गया है कि आपको इसके 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए अगर 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास अगर हम इस मेथड से करें तो यहां से देखो a माइनस डी जो होगा तुलना करोगे तो देखो ये 3 के बराबर आ रहा है तो आपने 3 के बराबर कर दिया। और देखो जो n का गुणांक होता है अर्थात d, यहां पर देखो n का गुणांक है आपके पास 4 तो इसलिए d का मान आपके पास 4 आ जाएगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया आपके पास कि d का मान 4 हो जाएगा और a का मान 3+d हो जाएगा, अर्थात a का मान आपके पास 3+4 मतलब 7 हो जाएगा। तो आपने a का मान निकाल दिया और d का मान निकाल दिया। अब आपसे बोला गया था 15 पदों का योगफल निकालो, तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे s 15 बराबर 15/2 2a प्लस 15-1 गुणा डी। तो देखिए आप s 15 अर्थात प्रथम 15 पदों का योगफल बराबर 15/2 a का मान 7 लगा दोगे तो 2 गुणा a मतलब ये 14 हो जाएगा प्लस देखो ये 14 गुणा डी करोगे तो 14×4 56 हो जाएगा। तो आप देखो s 15 आ जाएगा आपके पास 15/2 गुणा, अब ये देखो हल करने पर आपके पास 70 हो जाएगा तो यहां से ये 35 आपके पास आ गया। अब आप अगर प्रथम पद आप 15 पदों का योगफल चाहिए तो आप 15×35 कर देंगे तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 15×5 75 7 हासिल का और ये 52 आ जाएगा। तो इस तरीके से 15 पदों का योगफल आपके पास 525 आ जाएगा। तो ये 15 पदों का योगफल निकालने के लिए भी एक तरीका रहा। अब इसको भी हम दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। अब दूसरे तरीके से आप ये देखो कि अगर यहां से आपके पास पद तो कुछ इस तरीके के आए हैं, A1 7 आया है, A2 11 है, A3 15 और A4 19। तो आप देखो यहां से आपके पास जो A1 है वो तो 7 हो गया और जो D है वो आप देखो ये 4 हो जाएगा। तो आपको 15 पदों का योगफल चाहिए अर्थात S 15 बराबर ये आपके पास 15/2 2A अर्थात 14 प्लस N-1 अर्थात 14 गुणा D मतलब 56 हो जाएगा। तो जब आप इसको भी हल करोगे तो ये आपके पास 525 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा मेथड भी देख लिया कि प्रथम जितने भी पद आपको बोले जाएं उनका योगफल कैसे निकाला जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। तो देखिए पहले भाग में तो अभी हमने दर्शाने को भी दो तरीके से समझा दिया और योगफल निकालने के भी हमने दो तरीके समझाए हैं, अभी हम दूसरे भाग में केवल एक तरीके से आपको समझाते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में आपको ए एन अर्थात एक व्यापक पद दिया हुआ है या आप बोल सकते हैं उस श्रेणी का एनवा पद दिया हुआ है 9-5n। तो अगर आप n का मान 1 रख दोगे इसमें तो a1 आपके पास आ जाएगा 9-5 तो देखो 1 आ गया। a2 मतलब आप n का मान 2 रख दो तो 5×2 10 आ जाएगा बराबर -1 हो गया, ये आपके पास 4 आएगा
इसी तरीके से ए थ्री मतलब 9 माइनस, अब देखो एन का मान 3 रखोगे तो ये 15 आ गया, तो आपको माइनस 6 मिल गया। ए चार तो देखो 9 माइनस 5 गुणा 4 करोगे तो 20 आ गया, मतलब माइनस 11 आ गया। तो आप कुछ ही पद निकाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप 10 15 20 25 30 पद निकालें, आपको केवल 3-4 पद निकालने होते हैं। तो आप देखो पहला पद तो आपके पास 4 आ गया। अब आप सार्वंतर की बात करते हैं, अगर सार्वंतर सब में बराबर आएगा तभी आप बोल पाएंगे कि समांतर श्रेणी है। तो आप ए टू माइनस ए वन निकालिए, तो माइनस एक माइनस चार, तो आप देखो ये माइनस पांच आ गया। फिर आप ए थ्री माइनस ए टू निकालिए, तो देखो माइनस छः माइनस माइनस एक, तो माइनस छः प्लस एक अर्थात माइनस पांच आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ए फोर माइनस ए थ्री निकालोगे तो वो आ जाएगा माइनस ग्यारह, में से आप माइनस छः घटाएंगे अर्थात माइनस ग्यारह प्लस छः हो जाएगा, तो ये माइनस पांच आया। तो चूंकि आपने देखा यहाँ पर कि ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए फोर माइनस ए थ्री, ये सभी बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास जो पद दिया हुआ है ए एन बराबर नौ माइनस पांच एन, एक एपी को व्यक्त करेगा। तो आपको यहां से ये तो समझ में आ गया कि जो ये व्यापक पद दिया था ए एन, वो एक एपी का पद होगा। अब यहां से आप देखो कि चूंकि ये सब बराबर आ रहे हैं माइनस पांच के, तो यहां से आपको डी मिल गया तुरंत माइनस पांच, क्योंकि डी का मान यही होता है क्रमागत पदों का अंतर, अर्थात सार्वंतर आपने माइनस पांच निकाल लिया। ए वन आपके पास चार है पहले से ही, ए वन या आप बोल सकते हो ए, ये सॉरी आपके पास चार हो चुका है। तो अभी आप ये देखो कि आपको 15 पदों का और भी योगफल ज्ञात करना था इसमें अगले भाग में, अर्थात एस 15, तो देखो 15 बटे 2 ये आ जाएगा 2a प्लस 15 माइनस 1 गुणा डी। अब आप यहां पर मान लगा देंगे a और d के, तो देखिए प्रथम 15 पदों का योगफल बराबर 15 बटे 2, a का मान आप 4 लगा दो तो ये 8 हो जाएगा क्योंकि 2 गुणा a है, प्लस ये देखो 14 है और d अर्थात माइनस 5 का गुणा करोगे तो 14 गुणा माइनस 5 माइनस 70 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए एस 15 अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल हो जाएगा 15 बटे 2। अब देखो माइनस 70 में से 8 यदि आप जोड़ोगे तो ये माइनस का 62 आ जाएगा, तो देखो 2 से अगर आप इसको कट करोगे तो ये माइनस का 31 हो जाएगा। तो इस तरीके से एस 15 अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल आपके पास हो जाएगा 15 गुणा माइनस 31, तो देखिए ये आ जाएगा 465 माइनस चिन्ह के साथ। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ चुका है। तो देखो अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात a1 क्या होगा। आगे आपको बोला गया है प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा, फिर आपको बोला गया है कि दूसरा पद भी आपको बताना है, और इसी तरीके से आपको तीसरा पद, दसवां पद और nवां पद भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका है आपके पास ये कि अगर आपको बेसिकली sn मतलब n पदों का योगफल बोला जाए तो आपके पास एस एन यदि कुछ भी दिया हो, जैसे यहां पर इस प्रश्न में 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है, तो जो एनवा पद होता है वो आपके पास होता है एस एन माइनस एस एन माइनस एक। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर आप एस एन लिखोगे तो वो आपके पास आएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री से लेकर बहुत सारे पद होंगे और वो पद एन पद हो जाएंगे, मतलब ए एन तक लिखोगे आप। अगर आप एस एन माइनस वन लिखोगे तो देखो ये टी एन, या आप ऐसा समझ लो ये एनवा पद हो गया, या फिर आप ए एन करके समझ लीजिएगा। तो एस एन माइनस वन लिखोगे तो वो देखो आपके पास आ जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, और ये देखो चूंकि एन माइनस वन यहां लिखा है इसका मतलब ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि आपको एन माइनस वन पदों का योगफल लिखना है। तो अगर आप एस एन में से एस एन माइनस वन घटाओगे तो देखो ये माइनस चिन्ह, ये सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो आप देखिए यहां से आपके पास देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, केवल आपके पास
बचेगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन बराबर, देखो इधर केवल आपके पास ए एन बचा है, तो यहां से आपके पास ए एन आ जाएगा। तो बेसिकली आपने एक तरीके से इसका प्रूफ भी देख लिया कि आखिर कैसे ये आपका फॉर्मूला सही होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है, तो अभी हम इस प्रश्न को इस फॉर्मूले से करते हैं, फिर हम आपको दूसरा तरीका भी समझाएंगे। तो देखो यहां से आपको एस एन मतलब एन पदों का योगफल दिया है चार एन माइनस एन स्क्वायर, तो अगर आपको एस एन माइनस वन निकालना है इसका मतलब अब आप एन की जगह एन माइनस वन लगा दोगे, तो देखिए आपके पास आ जाएगा चार एन की जगह अब आपको एन माइनस वन लगाना है, यहां पर भी एन माइनस वन लगाओगे तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। तो देखो इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो चार एन माइनस चार माइनस ये देखो आपके पास आ गया एन स्क्वायर प्लस वन माइनस दो एन, ये कोष्टक में लिखा है अभी मैंने। अब देखो इसको और थोड़ा और सरल करो तो एस एन माइनस वन ये आ जाएगा चार एन माइनस चार माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस दो एन। तो अगर आप थोड़ा सा इसे और सरल कर लें मतलब आप एन स्क्वायर वाले पदों को एक तरफ कर लो, एन वाले पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ, तो आपके पास आ जाएगा देखो चार एन में से दो एन जोड़ दिए तो छः एन, ये देखो माइनस पाँच हो गया और माइनस एन स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर ये देख लिया कि एस एन अर्थात एन पदों का योगफल आपके पास आ गया और एन माइनस वन पदों का योगफल। अब आप यही फॉर्मूला ध्यान रखें, तो देखो ए एन आपके पास हो जाएगा एस एन माइनस वन, तो देखो ए एन बराबर एस एन तो आपके पास चार एन माइनस एन स्क्वायर है माइनस, अब आपको एस एन माइनस वन लिखना है तो छः एन माइनस पाँच माइनस एन स्क्वायर आ गया। तो आप यहां से देखो ए एन बराबर चार एन माइनस एन स्क्वायर माइनस छ एन प्लस पाँच प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्लस एन स्क्वायर से माइनस का एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ए एन देखो ये आपके पास पाँच आया और चार एन माइनस दो माइनस छ एन करोगे तो माइनस का दो एन आ गया, तो इस तरीके से आपके पास ए एन आ चुका है। तो ये यहाँ पर ए एन बेसिकली आ चुका है। अब आपसे कोई सा भी पद पूछा जाए आप हर पद को निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आपसे बोला गया कि प्रथम पद आपको निकालना है अर्थात A1 आपको निकालना है, तो देखिए A1 के लिए आपको यहां पर n का मान एक रखना पड़ेगा। तो देखो A1 पांच माइनस दो गुणा एक कर दोगे तो इस तरीके से A1 हो जाएगा पांच माइनस दो अर्थात तीन। तो इस तरीके से आपने इस श्रेणी का पहला पद निकाल दिया जो कि तीन के बराबर आया है। अब और भी पढ़ लेते हैं। आपको आगे बोला गया कि आपको प्रथम दो पदों का योग निकालना है, चलिए इसको हम बाद में करेंगे। आपको बोला गया है कि दूसरा पद क्या होगा, तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं कि दूसरा पद क्या होगा अर्थात आपको A2 निकालना है। तो आप देखो इसमें n की जगह दो लगा दोगे अब, तो यहां से देखो A2 बराबर पांच माइनस दो n की जगह आपने दो लगा दिया तो ये देखो पांच माइनस चार हो गया अर्थात जो A2 अर्थात दूसरा पद जो आएगा वो एक आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपने A2 भी निकाल दिया अर्थात दूसरा पद। अब बात आती है कि आपको आगे A3 अर्थात तीसरा पद दसवां पद और nवां पद ज्ञात करना है। तो देखो ये तो आपके पास nवां पद ही है क्योंकि n a n लिखा हुआ है मतलब nवां पद है आपके पास, तो a n तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको A3 और A10 और निकालना है। तो देखिए A3 निकालेंगे मतलब n की जगह आप तीन रख दो, पांच माइनस दो और n की जगह आप तीन रखो तो ये तीन रख दिया। तो A3 बराबर ये आपके पास हो गया पांच माइनस छः, तो A3 बराबर माइनस एक आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने तीसरा पद भी निकाल दिया जो कि माइनस एक के बराबर आया है। अब A3 निकालने के बाद आपको दसवां पद भी निकालना था। तो देखिए A10 निकालते हैं, पांच माइनस दो एन का मान दस रख दिया तो ए दस बराबर देखो ये बीस आ गया, पांच माइनस बीस करोगे तो माइनस पंद्रह आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दसवां पद भी निकाल दिया जो कि आपके पास माइनस पंद्रह के बराबर आया है। अब आप यहां पर एक बात और गौर करें कि अभी हमने इस भाग को अभी छोड़ दिया था, बोला था कि इसको हम बाद में करते हैं। तो आपको प्रथम दो पदों का योगफल ज्ञात करने को बोला गया है। तो अभी आप देखो प्रथम दो पदों का योगफल तो आप एस दो बोलेंगे मतलब आपको यदि एस एन दिया है तो आप एन का मान दो लगा दोगे इसमें। तो देखिए एस दो मैं यहां पर लगा देता हूं तो एन का मान आप एस एन में दो लगा दोगे तो ये आ जाएगा चार गुणा दो माइनस दो का स्क्वायर। तो देखो एस दो आपके पास हो जाएगा ये आठ माइनस चार अर्थात चार। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम दो पदों का योगफल
आपके पास चार हो जाएगा। तो देखिए आपने प्रथम दो पदों का योगफल तो निकाल दिया जो कि चार आया। अब प्रथम दो पदों के योगफल को आप एक तरीके से और निकाल सकते थे। आप देखिए कि अगर आप A1 जो तीन आया है और A2 जो आपके पास एक आया है, अगर आप इनको जोड़ दें तो प्रथम दो पदों का योगफल आएगा। तो आप देखो तीन और एक को जोड़ने पर आपके पास चार ही आ जाता। तो इस तरीके से आपने प्रथम दो पदों का योगफल भी निकाल दिया। अब ये तो आपके पास रहा बेसिकली मेथड नंबर एक, जिसमें आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना था जो कि आपके पास था SN-SN-1=AN। अब हम देखिए मेथड टू समझ लेते हैं। तो मेथड टू में सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको यहां पर SN दिया है 4N-N2। तो अभी आप ये देखो अगर मैं इसे S1 लिख दूं तो S1 मतलब प्रथम एक पद का योगफल, और प्रथम एक पद का योगफल तो बेसिकली पहला पद ही हो जाएगा तो वो A आ जाएगा बेसिकली, मतलब A1। तो देखो N का मान एक लगाने पर बेसिकली A1 आ जाएगा। तो ये 4-1 आ जाएगा, तो ये 4-1 अर्थात 3 आ गया। तो इस तरीके से S1 या A1 भी बोल सकते हैं, वो 3 आ गया। अब आप देखो कि आपको अगर दूसरा पद निकालना है तो यहां से अगर दूसरा पद निकालना है तो अगर आप S2 लिखोगे तो वो आपके पास आ जाएगा, देखो 4×2-2। तो S2 आपके पास आ गया 8-4, अर्थात S2 आपके पास 4 आ गया। तो आपने S2 भी निकाल दिया जो कि 4 आया। तो S2 भी आपसे बेसिकली पूछा गया था क्योंकि यही तो आपके पास प्रथम दो पदों का योगफल हो जाएगा। लेकिन आप S2 को अगर लिखेंगे तो S2 का मतलब तो ये हुआ प्रथम दो पदों का योगफल अर्थात A1+A2। तो देखो आप इसको लिख सकते हो A1+A2=4। तो अगर आप A1+A2=4 लिखोगे और A1 पहले से ही आ चुका है 3, तो ये 3+A2=4 आ जाएगा, अर्थात A2 का मान 4-3=1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा पद भी ज्ञात कर लिया। अब यहां से आप देखो अगर आपको A1 पता लग गया, A2 पता लग गया, तो जो सार्वंतर होगा अर्थात D वो आ जाएगा A2-A1 अर्थात 2 के बराबर। तो अगर आपको सार्वंतर पता लग गया है और पहला पद भी पता लग गया तो अब आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का। जैसे आपसे तीसरा पद बोला गया था तो A1+2D फॉर्मूला लगाइए। A3 देखिए, A1 तो 3 है, 2 D का मान यहां पर आप देखो A2-A1 करोगे अर्थात 1-3 करोगे तो माइनस का 2 आपके पास आएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये -2 आप यहां पर कर दो तो A3 आपके पास हो गया 3-4 अर्थात तीसरा पद जो आया वो आपके पास -1 आ गया। तो देखिए आपने A3 भी निकाल दिया। फिर आपसे बोला गया था A10 निकालने को अर्थात 10वां पद, तो A1+9D हो जाएगा आपके पास। तो देखिए A10=, A1 आपके पास 3 था, D का मान -2 था, तो 9 से गुणा करोगे तो -18 है, अर्थात A10 आपके पास -15 हो जाएगा। मतलब आपने समांतर श्रेणी का 10वां पद भी ज्ञात कर लिया। अब एंड में सबसे बोला गया था कि आपको इस समांतर श्रेणी का n-वां पद भी ज्ञात करना है, मतलब आपको AN भी निकालना है। तो फॉर्मूला तो सेम ही है A1+N-1×D। तो देखिए A1 का मान आप देखिए 3 आया है आपके पास, प्लस n-वां पद निकालना है अर्थात n की जगह n ही रख दोगे आप, और D का मान अब आप -2 लगा दीजिएगा। तो यहां से आप देखो कि आपके पास आ जाएगा AN=3 -2N+2। तो आप देखिए AN हो जाएगा 5-2N, अर्थात उस समांतर श्रेणी का n-वां पद भी आपने ज्ञात कर लिया जो कि 5-2N=2 आएगा। तो इस तरीके से ये बेसिकली आपके पास मेथड टू था। तो आप किसी भी मेथड से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 12 पर बढ़ते हैं। तो देखो इसमें आपको बोला गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य हैं। तो देखो सबसे पहले आपको एक सबसे पहला धन पूर्णांक ऐसा ज्ञात करना ही होगा जो 6 से विभाज्य हो। तो आपको समझ में आएगा कि वो तो आपके पास 6 ही आएगा। फिर आपको अगर आगे वाला धन पूर्णांक लिखना है जो 6 से विभाज्य हो, इसका मतलब आपको उसमें 6 जोड़ना है। ये 6 आपने इसलिए जोड़ा है क्योंकि 6 से विभाज्य पूछा गया है। तो आपके पास 6+6 अर्थात यहां पर 12 हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर आपको आगे वाला लिखना होगा तो आप प्लस 6 कर दोगे तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। आगे वाला पद लिखना होगा तो आप प्लस 6 कर दोगे तो देखिए ये 24 आ जाएगा। इस तरीके से आप पद लिख सकते हैं। अब यहां से आपको तीन चार पद आपने लिख दिए और आपको समझ में आ गया कि ये समांतर श्रेणी तो आपके पास बन रही है। अब चूंकि समांतर श्रेणी बन रही है तो आप देखो उसका पहला पद हो जाएगा 6, आपके पास D अर्थात सार्वंतर देखो 12 माइनस 6 अर्थात 6 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो आपको बोला गया है कि 40 धन पूर्णांकों का योगफल, मतलब N का मान 40 है क्योंकि आपको 40 पदों का योगफल निकालना है इस समांतर श्रेणी के। तो देखो एस एन बराबर एन बटे दो 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। आप N का मान 40 लगा दोगे तो देखिए S 40 बराबर 40 बटे दो 2A अर्थात 2 गुणा 6 तो ये 12 हो गया प्लस N की जगह आप 40 लगाओगे तो ये 40 माइनस 1 और D का मान 6 है। तो देखो 2 से 40 यदि कैंसिल करोगे तो 20 आ गया यहां पर ही आपके पास। और फिर आप देखिए S 40 ये आ जाएगा 20, देखो 12 प्लस 40 माइनस 1 39 होता है और यदि आप 39 का 6 से गुणा करोगे तो आपके पास 234 आ जाएगा। फिर आप देखिए एस 40 आपके पास हो गया 20 गुणा, जब आप इनको जोड़ोगे तो 246 आ गया, सॉरी 244 आ जाए, हाँ 246 ही आएगा। फिर आप अगर आप 40 पदों का योगफल निकालोगे तो एस 40 आपको 20 का गुणा 246 से करना होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4920। तो इस तरीके से जो प्रथम 40 धन पूर्णांक ऐसे होंगे जो 6 से विभाज्य होंगे, अगर आप उनका योगफल निकालोगे तो वो 4920 के बराबर आएगा। तो देखो 13वें प्रश्न में दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहला गुणज तो आपके पास 8 हो जाएगा, दूसरा गुणज 16 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा और इसी तरीके से आप आगे निकालोगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। तो देखिए यहां से आपको ए पता लग गया जो कि 8 है। अब आप देखो हर क्रमागत पदों का अंतर आपके पास 8 आ रहा है क्योंकि 8 के गुणज निकालने हैं, इसका मतलब डिफरेंस 8-8 आता रहेगा। तो यहां से आपके पास सार्वंतर आ जाएगा 8, अगर आप 16 में से 8 घटाओगे तब भी 8 आएगा, 24 में से 16 घटाओगे तो 8 ही आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ध्यान रखें 8 के गुणज निकाल लो मतलब 8 के पहाड़े में आने वाली संख्या है तो हमेशा अंतर तो 8 ही आएगा। अब आप देखो इस तरीके से आपको जो L दिया है वो 120 दिया है और अगर आप L का यूज ना करें तो आपको यहां से अगर N पता करना है कि कितने पद होंगे तो आपको तो बोला गया है कि 15 गुणज हैं तो आपके पास N आ गया 15 के बराबर। तो अभी आप देखो कि आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हो कि 15 गुणजों का योग निकालना है अर्थात एस एन का फॉर्मूला एक तो एन बटे दो ए प्लस एल इस वाले फॉर्मूले से और एक दूसरा फॉर्मूला था एस एन बराबर एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूले से। तो देखो sn मतलब 15 पदों का योगफल निकालना है इस समांतर श्रेणी के, या तो आप इसको ऐसे समझ लें इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल और जिसका मतलब यही है कि 8 के 15 प्रथम 15 गुणजों का योग। तो देखो n का मान 15 है, अब देखो a प्लस एल अर्थात 8 प्लस एल का मान तो आपके पास 120 आ जाएगा। तो यहां से देखो s 15 है मतलब प्रथम 15 गुणजों का योग या प्रथम 15 पदों का योगफल 15 बटे 2 गुणा ये 128 आ गया। तो देखो 2 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 64 आ जाएगा आपके पास। तो अब आपको 15 गुणा 64 करना होगा तो S 15 बराबर 15 गुणा 64 करोगे अर्थात 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96 अर्थात 960 आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये आपने एक मेथड से कर दिया, अब हम दूसरे मेथड से आपको समझा रहे हैं। तो देखो दूसरे मेथड में आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो S 15 बराबर ये आपके पास हो जाएगा 15 बटे 2, अब देखिए 2A तो 2 गुणा A मतलब 8 तो ये 16 आ गया प्लस ये देखो 15 माइनस 1 14 आ जाएगा और D का मान तो आपके पास 8 है ही। तो आप देख सकते हो हल करने पर S 15 ये आ जाएगा 15 बटे 2, अब देखो 14 गुणा 8 112 होता है और 112 और 16 जोड़ेंगे तो 128 आ गया, देखो ये आपके पास 64 आ गया तो ये आपके पास बचा 15 गुणा 64 तो बेसिकली 15 गुणा 64 आएगा तो 960 ही। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले से निकालें आपके पास आंसर हमेशा सेम ही आएगा।
चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। तो देखो इसमें आपको बोला गया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अभी आप देखो कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या यदि आप लिखना प्रारंभ करोगे तो आपको मिलेगी पहली संख्या तो 1 मिल गई, फिर विषम संख्या है तो अगली 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इस तरीके से आपको देखो संख्याएं तो आप लिख पा रहे हो। अगर आप चाहते हो तो पिछली संख्या भी लिख सकते हो, 50 से जस्ट पहली विषम संख्या आपके पास 49 आएगी, क्योंकि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो आपने विषम संख्याएं तो लिख दी और वो भी 0 से 50 के बीच की। तो अभी आप ये देखो कि आपको यहां से ये एक श्रेणी मिली है। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी है तो आप देखो a2 - a1 करो, मतलब 3 - 1 तो ये 2 आ गया, a3 - a2 करो तो ये आपके पास 5 - 3 आ जाएगा, ये भी 2 आ गया, a4 - a3 करोगे तो ये 7 - 5 ये भी 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्रमागत पदों का अंतर तो बार बार बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब ये आपके पास समांतर श्रेणी हो जाएगी और जो सार्व अंतर होगा वो यही मान हो जाता है जो बराबर आता है, तो ये 2 आ गया। अब आप देखो कि आपको प्रथम पद भी यहां से मालूम पड़ गया तुरंत, जो कि 1 हो जाएगा। फिर आपको बोला गया था कि इन सभी पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये कितनी संख्याएं हैं। कुछ छात्र ऐसा गिन सकते हैं कि वो अपनी उंगलियों पर या रफ वर्क में लिखकर गिन लेंगे 1 से 49 तक विषम पद कितने आएंगे। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते, प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं, तो देखिए माना आपने इसमें n पद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो nवां पद होगा वो 49 हो जाएगा और फॉर्मूले से a+n-1 × d हो जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 49 बराबर a का मान 1 + n-1 d का मान 2। तो आप देखो ये आ गया, 1 को पक्षांतर करो तो 49 - 1 = 48 बराबर 2 × n-1। तो देखो ये 24 आ गया, इस तरीके से n-1 का मान तो 24 आ गया तो n का मान 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये पता कर लिया कि जो ये समांतर श्रेणी आपको दिखाई दे रही है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके की, इसमें आपके पास कुल 25 पद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको इनका योगफल भी निकालना है, तो बेसिकली आपको इन 25 पदों का योगफल निकालना है। तो आप फॉर्मूला ध्यान रखो n/2, आपके पास दो फॉर्मूले थे, आप कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे यहां पर हमने a+l लगा दिया, तो देखो यहां पर s 25 मतलब 25 पदों का योगफल, या आप बोल सकते हैं 0 से 25 विषम संख्याओं का योगफल, n का मान तो 25 हो गया बटे 2। अब देखो a का मान 1 हो जाएगा क्योंकि प्रथम पद है, और l आपके पास यही बन जाएगा अंतिम पद, 49 हो गया। तो देखिए s 25 आपके पास हो जाएगा 25/2 × 49 और 1 यदि आप करोगे तो ये 50 आ जाएगा। तो देखो 2 से 50 को कैंसिल करोगे तो 25 आ जाएगा, और इस तरीके से आपके पास s 25 जो होगा वो 25 का स्क्वायर आ गया, अर्थात s 25 आपके पास 625 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी हल कर दिया है। अब आप यहां पर एक बात ध्यान रखें, अगर किसी कंपटीशन वगैरह के लिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपसे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल कोई पूछे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होता है जो कि n स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे अगर आपसे इस प्रश्न में आपसे बोला भी गया है वैसे इस प्रश्न में प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, आप एक बात को गौर करिए, आपको यहां पर यह नहीं बताया गया कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं, ये तो आपने बाद में जब निकाला कि हाँ 25 प्राकृतिक संख्या आ रही हैं तो उनका योगफल ज्ञात करना है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट करते कि प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, आपके पास n का मान 25 कर दोगे क्योंकि प्रथम n का सम है n स्क्वायर, इसलिए 25 का सम हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 625 आ जाता। तो इस तरीके से अगर आप इस फॉर्मूले को कंटस्थ रखेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में डायरेक्ट अपना उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 में आपको बोला गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है
और वो प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए ₹250, तीसरे दिन के लिए ₹300 इत्यादि। अर्थात आपको बोला गया है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। तो फिर आपको बोला गया कि यदि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी जबकि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर वो एक दिन का विलंब करे तो उसको ₹200 अदा करने होंगे, अगर वो दो दिन का विलंब करे तो दूसरे दिन उसको ₹250 अदा करने पड़ेंगे, तीसरे दिन उसको और ₹50 अर्थात ₹300 अदा करने पड़ेंगे, अगले दिन उसको ₹350 अदा करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये जुर्माने की राशि चल रही है, बढ़ती ही जा रही है ₹50 से। तो देखो, ये तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि चूंकि ₹50 से बढ़ती जा रही है, अदरवाइज आप ऐसे भी देख पा रहे हैं कि इन सभी में 50-50 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक समांतर श्रेणी बन गई है, और उस समांतर श्रेणी का आप देखो, आपको पहला पद तुरंत पता लग गया जो कि ए हो जाएगा 200। अब आप देखो, आपको सार्वंतर निकालना है, तो वैसे भी आपको पता लग रहा है, नहीं तो आप एक बार हल करके भी देख लो, 250 माइनस 200 निकालो या 300 माइनस 250, कुछ भी आप कर सकते हैं, हमेशा आपके पास 50 ही आएगा। तो देखिए, आपके पास सार्वंतर भी आ गया। अब आपको बोला गया कि वो तो 30 दिन का विलंब यहां पर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 दिन का विलंब करने में जो जुर्माना राशि होगी वो S30 मतलब 30 पदों का योगफल हो जाएगी इस श्रेणी के। तो देखिए, वो आपके पास फॉर्मूला था SN का, N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D। तो अब देखो, इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे, लेकिन ध्यान रखो आपको N नहीं, यहां पर तो 30 दिन का योगफल निकालना है इन सभी का। तो देखिए, ये आ जाएगा 30 बटे 2 2 इंटू ए, ए का मान 200 है तो 2 गुणा 200 आपने लिख दिया, प्लस n माइनस 1 है तो ये 30 माइनस 1 हो जाएगा। और आप देखिए, आपके पास d का मान तो 50 लिखा हुआ है तो आपने यहां पर 50 लिख दिया। अब देखिए, केवल आपको इसको हल करना है। तो देखिए, S30 मतलब 30 पदों का योगफल इस समांतर श्रेणी के, तो देखो जब इसको हल करोगे तो ये तो 15 आ गया, और आपके पास देखो ये हल करने पर 400 हो जाएगा, ये आपके पास 29 बचेगा, और 29 का यदि आप 50 से गुणा करोगे तो आपके पास 29 गुणा 5 145 होता है, तो ये 1450 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इनको भी थोड़ा सरल करोगे तो देखो, S30 बराबर 15 गुणा, अब जब इसको हल करोगे तो ये आपके पास 1850 आ जाएगा। तो देखिए, जब आप 15 का गुणा 1850 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 27, मतलब आपके पास उस श्रेणी के 30 पदों का योगफल 27,750 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल राशि उस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में अदा करनी पड़ेगी वो राशि आपके पास ₹27,750 हो जाएगी, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पर। तो देखो, प्रश्न संख्या 16 में आपको बोला गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रख दी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब आप यहां पर देखो कि आपको यह बोला गया कि ₹700 टोटल राशि है, और उन ₹700 से आपको 7 पुरस्कार एक तरीके से बनाने हैं। अब यहां पर आपको बोला गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है। तो यहां से आप देखो, अगर आपने प्रथम पुरस्कार मान लिया, या पहला भी बोल सकते हैं, अगर आपने वो ए मान लिया, और ए चूंकि यहां पर आप देखो सब में मात्र रुपए चल रहा है, तो आपने ₹1 का पहला पुरस्कार मान लिया। तो देखो, पहला पुरस्कार तो ₹1 हो जाएगा, जो दूसरा पुरस्कार आएगा वो इससे 20 कम अर्थात A-20 आ जाएगा, जो तीसरा पुरस्कार आएगा वो इससे भी 20 कम मतलब A-40 हो जाएगा, अब चौथा पुरस्कार इससे भी 20 कम मतलब 20 इसमें घटा दोगे तो A-60 हो जाएगा, इसी तरीके से A-80 हो जाएगा, A-100 आ जाएगा, और A-120 आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर तो देखिए, मैंने सातों पुरस्कारों के मान भी लिख दिए,
कि यदि पहला पुरस्कार ए है तो ए माइनस बीस, ए माइनस चालीस, ए माइनस साठ, ऐसे करके देखिए आप, मैंने सातों लिख दिए यहाँ पर। अगर आप सातों नहीं लिखते तो आपके पास ये तो समझ में आ गया कि ये समांतर श्रेणी बन रही है। तो अब आपके पास चूंकि ये समांतर श्रेणी बन रही है तो पहला पद आप देखो वो तो आपके पास ए ही आ गया। यदि आप सार्वंतर निकालोगे तो वो आ जाएगा ए माइनस बीस माइनस ए, तो देखो ये माइनस बीस आ जाएगा। अब आपको ये बोला गया है कि इन सातों पुरस्कारों का जो योगफल है वो तो रुपये 700 होना चाहिए, अर्थात इस समांतर श्रेणी के सात पदों का योगफल आपको 700 दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला लगाओ 700 बराबर 7 बटे 2 2a, तो 2 गुणा a का मान आपके पास a आ गया, प्लस n की जगह 7 माइनस 1 और d का मान माइनस 20 आपने कर दिया। अब आप केवल इसको हल करेंगे तो आप a का मान उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 7 से यदि 700 को कैंसिल करेंगे तो ये 100 बार चला गया, और 2 को आप इधर पक्षांतर करोगे तो 2 गुणा 100 आ गया इधर बराबर। अब देखो ये 2a हो गया, ये देखो ये 6 बनेगा, और माइनस 20 से गुणा करोगे तो माइनस 120 हो गया। तो यहाँ से 200 बराबर 2a माइनस 120 आ गया, अर्थात 2a बराबर आप देखो माइनस 120 को आप पक्षांतर कर रहे हैं बाई तरफ, तो यहाँ से 2a का मान आपके पास 200 प्लस 120 हो जाएगा, अर्थात 2a बराबर 320 हो जाएगा। अब चूंकि 2a आपके पास 320 आ गया, अर्थात a का मान आपके पास 160 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम पुरस्कार था वो 160 रुपए का हो जाएगा। तो अब आपको तो सभी पुरस्कारों के मान निकालने हैं। देखिए पहला पुरस्कार 160 रुपए का हो गया, जो दूसरा पुरस्कार आएगा वो इससे 20 कम 140 रुपए हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार इससे भी 20 कम मतलब 120 रुपए हो जाएगा, इसी तरीके से देखिए 100 रुपए हो जाएगा चौथा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार 80 रुपए हो जाएगा, छठा पुरस्कार 60 रुपए हो जाएगा, और सातवां तथा अंतिम पुरस्कार इससे भी 20 रुपए कम अर्थात 40 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सातों पुरस्कार के मान ज्ञात कर लिए कि आखिर वो कितने रुपए के हो जाएंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। फिर आपको बोला गया कि यदि यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, उदाहरण के तौर पर आपको एक दिया हुआ है कि जैसे कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा इत्यादि, और आपको बोला गया है ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। फिर आपको आगे बोला गया कि प्रत्येक कक्षा के आपके पास तीन अनुभाग हैं, तो आपको बताना है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले अनुभाग का मतलब समझ लेते हैं। अनुभाग का मतलब है सेक्शन। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे आपके 10वीं क्लास में भी तीन सेक्शन जैसे हो सकते हैं, तो 10A, 10B, 10C। तो बेसिकली आप देखो 10 के तीन अनुभाग हो गए, एक A, एक B और एक C। तो इस तरीके से अनुभाग का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब आप ये देखो कि यदि आप कक्षा एक द्वारा लगाए गए पेड़ देखो तो कक्षा एक के भी तीन अनुभाग हैं, कक्षा दो के भी तीन अनुभाग आएंगे, कक्षा तीन के भी तीन अनुभाग आएंगे, क्योंकि आप देखो प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग बोले गए हैं, अर्थात प्रत्येक कक्षा के आपके पास तीन सेक्शन हैं। तो देखिए अगर कक्षा एक के द्वारा लगाए गए पेड़ आप देखो तो हम उनके पेड़ों की संख्या निकालते हैं जो कक्षा एक वाले विद्यार्थियों ने लगाए हैं। तो वो देखो कक्षा एक वाले विद्यार्थी एक पेड़ लगाएंगे, लेकिन आपके पास तो तीन अनुभाग हैं हर कक्षा के, तो बेसिकली वो पेड़ हो जाएंगे तीन गुणा एक, अर्थात तीन पेड़ लग जाएंगे टोटल कक्षा एक की तरफ से। इसी तरीके से आप कक्षा दो की तरफ से अगर लगाए गए पेड़ों की संख्या देखोगे तो कक्षा दो का एक अनुभाग तो दो पेड़ लगाएगा, लेकिन तीन अनुभाग हैं तो आपके पास ये तीन गुणा दो अर्थात टोटल छह पेड़ लग जाएंगे कक्षा दो की तरफ से। इसी तरीके से कक्षा तीन के द्वारा आपके पास लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी तीन गुणा तीन अर्थात नौ। इसी तरीके से देखिए आप लिखना चाहें तो सबके बारे में लिखें, लेकिन अब आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो आप कक्षा 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या अब आप लिख दो,
तो ये आपके पास देखो 3 × 12 हो जाएगी अर्थात 36, क्योंकि एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा लेकिन 3 अनुभाग हैं, तो टोटल 36 पेड़ आपके पास आ गए। आपको तो बताना था कि टोटल कितने पेड़ लगे, तो आप इन सब का योगफल कर देंगे अर्थात आपका जो आंसर हो जाएगा, या मैं लिख देता हूं कुल पेड़ या कुल पेड़ों की संख्या, तो वो आपके पास हो जाएगी 3 + 6 + 9 + 12 से लेकर +36 तक। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास ये एक एपी बन रही है, क्योंकि आप देखो सब में 3-3 का अंतर आ रहा है, तो इसका आपके पास सार्वंतर आ गया 3, और प्रथम पद आप देखो ये भी आपके पास 3 ही है। अब आपको बेसिकली इन सब का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात इन 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब संदेह ये हो सकता है कि ये कैसे आपको पता लगा कि 12 पद हैं, तो एक तो आपके पास तरीका है कि जैसे ए एन 36 को मान लो, तो आप एन निकालो, ए पता है और डी पता है फॉर्मूले से। और दूसरा आप ऐसा सोचिएगा, बहुत अच्छा तरीका, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ये सोचिए कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ हैं, तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक टोटल 12 क्लासेस आपके पास होती हैं, अर्थात 12 कक्षाएं होंगी, तो आपके पास 12 पद आ जाएंगे। तो देखो एस एन का फॉर्मूला तो आपने सीखा है, एन बटे 2 ए प्लस एल, इस फॉर्मूले से आप लगा दो। अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो उससे भी आपका सही उत्तर ही आएगा, जैसे अभी हम इससे लगा देते हैं क्योंकि ये काफी आसान हो जाएगा गणना करने में। तो 12/2, ए का मान आप देखो 3 है और एल आप देखो 36 है, मतलब अंतिम पद होता था एल, तो यहां से आप देखो आपके पास एस 12, मतलब कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी, देखो 2 से 12 आप 6 बार कैंसिल कर दोगे, फिर आपके पास आ जाएगा 6 × अब देखो 36 × 3 यदि आप करोगे तो वो आपके पास 39 आ जाएगा, अर्थात एस 12 है आपके पास हो जाएगा 39 × 6 जो कि 234 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास ये देखिए समांतर श्रेणी जो लिखी हुई थी, इनके 12 पद है अर्थात सभी पदों का योगफल 234 आया, और वो आप देखिए वो तो कुल पेड़ों की संख्या थी। इसका मतलब ये हुआ कि कुल लगाए गए पेड़ जो होंगे वो आपके पास 234 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न भी हल हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए तथा बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, जिसको अंग्रेजी में स्पाइरल कहते हैं, बनाया गया है, जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया भी गया है। फिर आपको बोला गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पाई का मान आप 22/7 लीजिएगा जहां भी ले रहे हैं। तो अभी आप देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखो वैसे तो आपको आकृति में दिया हुआ है, लेकिन ढंग से समझाने के लिए हम आपके सामने एक बार और बनाते हैं इन सबको। तो देखिए आपको सबसे पहले ऐसा दिया गया है कि आप सबसे पहले आपके पास एक बिंदु ए है, तो आपने बिंदु ए मान लिया, तो बिंदु ए आपने यहां पर मान लिया। अब ये देखो कि आपको बोला गया कि बिंदु ए मतलब वही उसको सबसे पहले केंद्र लेना है, और आपको बोला गया था इससे प्रारंभ करना है, अर्थात सबसे पहले आपको ए को केंद्र लेना है, और आपको बोला गया जो सबसे पहली त्रिज्या आप लोगे 0.5 सेंटीमीटर की, तो आपको उस त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाना है। तो अगर आप एक अर्धवृत्त बनाएंगे 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर आपको बोला गया अगर आप इस बिंदु को बी मान लें, तो अभी आपको बिंदु बी को केंद्र मान लेना है। तो देखिए अब ये टोटल जो डिस्टेंस होगी, ये तो 0.5 है, तो ये टोटल डिस्टेंस 2 × 0.5 हो जाएगी अर्थात 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से अब आपको बी को केंद्र मान लेना है, क्योंकि बारी बारी से केंद्रों को मानना था, तो आपने ए को पहले मान लिया था, अब आप बी को केंद्र मान लीजिएगा। तो अब बी को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे, तो देखिए आपके पास वो अर्धवृत्त कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये देखिए टोटल जो लेंथ होगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं
ये देखो एक हो चुकी है क्योंकि आपने बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाया था, तो अब ये टोटल जो लेंथ आएगी वो आपके पास 2 आ जाएगी। तो अभी आप क्या करेंगे कि ए को केंद्र मान लेंगे और एक अर्धवृत्त निकालेंगे। तो देखो एक को केंद्र माना और ये दूरी आप निकालोगे तो आपके पास 1.5 ही आएगी, क्योंकि ये 0.5 थी तो ये टोटल 1.5 आ गई। तो आप अर्धवृत्त बनाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखो आप बी को केंद्र मान लीजिएगा, अगर आप बी को केंद्र मान के अब यहां से एक अर्धवृत्त बनाओगे मतलब ये दूरी लोगे तो वो 2 सेंटीमीटर आएगी दूरी, और आप अर्धवृत्त बनाओगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर अगर आपको बनाना होगा तो आप ए को केंद्र मान लीजिएगा अब, और फिर आप एक अर्धवृत्त बनाओगे तो कुछ आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये चलता रहेगा। यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से ये आकृति बन रही होगी। अब यहां पर हम ये बात कर लेते हैं कि इनकी जो लंबाइयां हैं वो कैसी होंगी। तो देखो सबसे पहले अगर आप जो ये पहला अर्धवृत्त आपके पास बना है सबसे छोटा अर्धवृत्त, वो मैं यहां पर अगर एक पेन से दर्शाऊं तो वो आप देखिए आपके पास ये हो जाएगा। देखिए मैं काले पेन से दर्शा रहा हूं, तो ये आपके पास अर्धवृत्त आ गया जो सबसे पहला अर्धवृत्त होगा। तो आप जानते हो इसकी लंबाई आपको निकालने को बोला गया है, लंबाई मतलब ये होता है कि परिधि की लंबाई बेसिकली। तो आप देखो जो सबसे पहला अर्धवृत्त होगा उन्होंने बोला है कि अर्धवृत्तों की लंबाई हम L1, L2, L3, L4 कुछ इस तरीके की मानेंगे। तो देखो L1 जो होगा अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो हो जाएगी पूर्ण वृत्त की परिधि अर्थात 2πr/2 अर्थात πr हो जाएगी। तो आप देखो कि जो भी परिधि आपके पास आएगी मतलब अर्धवृत्त की परिधि πr तरीके की होगी। अब जैसे जैसे r चेंज होगा वैसे वैसे आपकी लंबाइयां चेंज हो रही हैं। तो आप देखो जो पहला अर्धवृत्त है आपके पास उसकी त्रिज्या तो आपको 0.5 दी गई है, आप देख सकते हैं। तो अब आप L1 यदि निकालेंगे तो आपके पास देखो पाई गुणा 0.5 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप L2 निकालोगे तो देखो अभी मैं L2 आपके लिए बना रहा हूं, L2 आपके लिए जो 1 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या थी, देखो मैं नीले रंग से शेड कर रहा हूं, ये आपके पास L2 वाला अर्धवृत्त बन जाएगा। तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी अर्थात मतलब अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो आ जाएगी पाई गुणा त्रिज्या, त्रिज्या आप देखो 1 थी अगले वाले वृत्त की। इसी तरीके से अगर आप L3 निकालोगे तो देखो L3 के लिए अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, तो मैं पीले से करूंगा शेड कर रहा हूं, तो देखो पीला वाला जो ये बन रहा है ये आपके पास L3 मतलब जो तीसरा वाला अर्धवृत्त है उसकी परिधि हो जाएगी। तो आपके पास इसकी लेंथ हो जाएगी पाई गुणा आर, लेकिन इस वाले आपके पास जो अर्धवृत्त बना है उसकी त्रिज्या तो 1.5 थी। इसी तरीके से यदि आप L4 देखेंगे तो देखिए मैं वो भी आपको लिए बना रहा हूं, तो आप देखो L4 आपके पास कुछ ये मैं बैगनी रंग से बना रहा हूं, ये वाली अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। तो अर्धवृत्त की परिधि तो पाई आर होती है, तो अब आप उसमें पाई आर देखो यहां पर 2 आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको ये तो समझ में आ गया कि जो L13 तक आपको निकालना होगा। अब संदेह हो सकता है कि L13 तक क्यों निकालेंगे, तो आप देखिए आपको यहां तक बोला गया था कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के लिए आपको ऐसा कुछ करना है। तो देखिए 13 क्रमागत वृत्तों तक ऐसा करना है मतलब आपके पास 13 क्रमागत वृत्त आ जाएंगे, तो जो 13वां वृत्त आएगा वो आ जाएगा L13/π। अब देखो ये आ जाएगा 0.5×13 मतलब 6.5 की। ऐसा आपने इसलिए बता दिया क्योंकि देखिए पहले आपके पास 0.5 थी, फिर 1 थी, फिर 1.5 थी, फिर 2 थी। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा 0.5 पाई तो देखिए हर किसी में सेम ही चल रहा है, आप आगे आने वाले पद देखिएगा तो 2+ इस तरीके से आप देखना चाह रहे हैं कि इसका 13वां पद क्या होगा अगर आप इस समांतर श्रेणी के लिए बात कर रहे हैं। तो A13 आपके पास हो जाएगा A+N-1×D। तो आप देखो A तो आपके पास 0.5 हो चुका है प्लस देखो 12 है, और D का मान आप देखो D आपके पास आ जाएगा 1-0.5। कुछ छात्र 1.5 में से 1 घटाएंगे तो वो आएगा तो आपके पास बराबर ही 0.5। तो 0.5 का आपने गुणा कर दिया तो आप देखो ये तो 0.5 प्लस जब आप इनको हल करोगे तो ये 6 आ गया। इसका मतलब आपके पास A13 ये हो जाएगा 6.5। तो आपको ये पता लग गया कि जो सबसे अंतिम अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी वो आपके पास 6.5 हो जाएगी, इसलिए टोटल लंबाई जो होगी वो अर्धवृत्त की परिधि के बराबर हो गई पाई गुणा आर मतलब 6.5।
अब आप यहां से ये देखो कि आपको तो बोला गया था कि उन सभी सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, मतलब इन सभी का आपको युगफल निकाल देना है। तो कुल लंबाई वो हो जाएगी आपके पास L1 प्लस L2 प्लस L3 से लेकर 13 अर्धवृत्त तक करना है, मतलब L13 तक, मतलब L13 तक। तो अब ये देखिए कि आपके पास ये जो बन रही है, देखिए पाई गुणा 0.5 है, दूसरा बनना है पाई गुणा 1 प्लस पाई गुणा 1.5, कुछ इस तरीके से चलेगा। और L13 आप देखो आपके पास है पाई गुणा 6.5। तो अगर आप करना चाहते हैं सॉल्व तो ऐसे ही करें, लेकिन अगर आप पाई को थोड़ा कॉमन ले लें अर्थात उभयनिष्ठ ले लें तो आपके पास ये काफी सरल हो जाएगा। देखिए कैसे ये आपके पास बन जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 से लेकर 6.5 तक। तो देखिए अब बस आपको हर पद में पाई का गुणा करने के बजाय क्या करना है कि आप सबसे पहले इस भाग को हल कर लीजिएगा और फिर आप उसमें पाई का गुणा कर दें। तो देखो अब यहां से आपके पास जो होगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 6.5, आप इसको हल कर लीजिएगा। इसको मैं समीकरण संख्या 1 मान लेता हूं। तो आपको यह समझ में आ गया कि आपको समीकरण संख्या 1 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम इस भाग को हल करते हैं तो यह आपके पास समझ में आ रहा है कि 13 पद हैं क्योंकि 13 लंबाइयां हैं। तो देखो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, आपने ये फॉर्मूला सीखा था। आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो देखो एस 13 मतलब इन 13 पदों का योगफल ये हो जाएगा 13/2। अब देखिए ए का मान तो 0.5 हो गया और एल का मान देखोगे तो अंतिम पद मतलब 6.5 हो जाएगा। तो यहां से एस 13 आपके पास हो गया 13/2 गुणा, अब देखो जब इसे हल करोगे तो 7 आ जाएगा, मतलब 91/2 आपके पास आ गया। अब यहां से एस 13 मतलब इन सभी पदों का योगफल 91/13 आ गया, इसलिए जो कुल लंबाई हो जाएगी, तो कुल लंबाई आपको देखो समीकरण संख्या 1 से मिलती, मतलब पाई गुणा इसका मान। तो पाई गुणा, अब ये देखो इसका मान तो आपने यहां से निकाला 91/2, तो आप 91/2 लिख देंगे। लेकिन आप देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है, अगर कहीं भी लेना है तो अब आप पाई का मान 22/7 लगा दें। तो आप देखो 2 से अगर आप 22 को कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा और 7 से यदि आप 91 को कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 × 7 91 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये बचेगा कुल लंबाई 11 × 13 और हल करने पर 143 आ जाएगा। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा जो कुल लंबाई आपके पास आई है। तो आप देखो जो आपके पास त्रिज्या का मात्रक होगा वही इसका मात्रक हो जाएगा। तो देखिए हर जगह सेंटीमीटर चल रहा है आपके पास, अर्थात आपके पास इस कुल सर्पिल, इस सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर हो जाएगी और आपका यही उत्तर भी हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 19 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रहें, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आप आकृति में देख सकते हैं। आगे आपको बोला गया है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो बेसिकली आपको इस प्रश्न में दो भाग बोले गए हैं। एक तो आपसे ये बोला गया है कि कितनी पंक्तियों में आप इस तरीके से लट्ठे रखेंगे कि 200 लट्ठे हो जाएं, और आपको बोला गया है कि जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें आपके पास कितने लट्ठे आएंगे। तो देखो आप यहां से एक आकृति में देख भी सकते हो कि यहां पर जैसे सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर 19 हैं, इसमें 20 हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 हैं। तो आपको इनको गिनना नहीं है कि ये गिनने में 20 हैं या नहीं, मतलब आपको केवल ऐसे समझना है। तो इससे ऊपर वाली पंक्ति में इस तरीके 17 लट्ठे आ गए। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही एक एक कम करके लट्ठे रखते जाएंगे हर पंक्ति में, तो आपको 200 लट्ठे ही टोटल लिखने हैं, रखने हैं केवल। तो आप देखो अगर आप इसको लिखोगे एक श्रेणी में, तो देखो सबसे नीचे वाली पंक्ति में आपके पास 20 लट्ठे हैं, फिर आप देख रहे हो उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं,
फिर 18 लट्ठे हैं, फिर 17 लट्ठे हैं, और इस तरीके से आपके पास लट्ठे चलते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि लट्ठे तभी तक रखे जाएं जब वो 200 हो जाएं टोटल। तो आप देख रहे हो कि अगर आप A2 माइनस A1 निकालो तो ये 19 माइनस 20 आ जाएगा, अर्थात माइनस 1 आ गया। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 निकालेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस 19, क्योंकि A2 मतलब दूसरा पद तो आपके पास 19 है, तो ये माइनस 1 आ गया। इसी तरीके से आप A4 माइनस A3 निकालोगे तो आपके पास 17 माइनस 18 आ जाएगा, जो कि माइनस 1 हो जाएगा। तो अभी आप ये ध्यान रखो कि आपने देखा कि आप A2 माइनस A1 निकाल रहे हो, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3, ये सभी आपके पास बराबर आ रहे हैं। अर्थात आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो सीरीज है, अर्थात ये जो श्रेणी है, वो एक AP मतलब समांतर श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर आपके पास समान आ रहा है हर किसी में। तो यहां से जो D होगा अर्थात सार्वंतर, वो माइनस 1 हो गया। और आप देखो उस समांतर श्रेणी का आपको पहला पद भी मालूम पड़ गया, जो कि 20 के बराबर है। अब आपसे तो बोला गया कि आप तब तक रखेंगे लट्ठों में, मतलब तब तक आप यहां पर देखो 16 आएगा, फिर आगे 15, फिर ऐसे करके चलता रहेगा, लेकिन तब तक रखना है जब तक ये लट्ठे 200 ना हो जाएं। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि n पदों का योगफल, मतलब Sn आपको 200 दिया गया है और आपको n निकालना है। n मतलब पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो यहां से आपने n पंक्तियों की संख्या मान ली, तो बेसिकली अगर आप इसको मैथमेटिकली सोचेंगे तो Sn 200 दिया हुआ है, मतलब इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 200 दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 200। अब देखो आप n का, a का तथा d का मान रख दोगे, क्योंकि आप देख रहे हो n का मान तो आपको निकालना है, तो आप उसकी जगह n ही रखे रहने दो। 2a, तो देखिए a तो 20 है, तो 2a मतलब 40 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, और d का मान आप देखो माइनस 1 है, तो आपने माइनस 1 लिख दिया, बराबर 200 आ गया। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि जब आप इस 2 को, जो अभी हर में है, पक्षांतर करेंगे अर्थात दाईं तरफ ले जाएंगे, तो अभी ये गुणा में बदल जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा n, देखो ये 40 माइनस n प्लस 1 बराबर, यहां गुणा में हो जाएगा, अर्थात 200 गुणा 2 आपके पास हो जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि आपके पास देखो n ये हो जाएगा 41 माइनस n बराबर 400। तो देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आपके पास हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। अब आप n स्क्वायर और 41n दोनों को आप दाईं तरफ पक्षांतर कर दोगे तो एक तरफ आपके पास 0 पूरा का पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। तो अब आपको 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, क्योंकि 400 गुणा 1 करोगे तो 400 आएगा, तो ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि उनको जोड़ने पर माइनस 41n आपके पास आ जाए। तो देखिए वो आपके पास 25 और 16 हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो 25 और 16 को यदि जोड़ोगे तो 41 आएगा। तो आप लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। अब यहां पर आप देखो कि n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 बराबर 0, ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आपके पास n बराबर तो 16 आ गया और n बराबर 1 25 आ गया, क्योंकि आप देखो अगर आप इससे लिखोगे तो ये दो कोष्टक बनेंगे, n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0। तो n बराबर 16 तथा 25 आपके पास आ चुका है। अब यहां पर आप देखो ऐसा तो संभव नहीं है कि दो आपके पास ऐसे आंसर आ जाए, आंसर तो एक ही आएगा। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप n बराबर 16 मान लीजिएगा लेते हैं, तो ये समझ में आया अगर आप 16 को सही मानते हो तो मैं केस बना लेता हूं। केस वन, यदि आपने n को 16 लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास ऐसे 16 पंक्तियां बनेंगी, तब लट्ठों में जो होंगे 200 हो जाएंगे। तो आपको बोला गया था कि सबसे अंतिम वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो बेसिकली आपको a 16 निकालना होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 गुणा d। तो देखो a का मान तो अब आप रख दो, जो आपके पास आया है यहां से देखिए 20, और d का मान माइनस 1 रख देंगे। तो देखिए आपके पास अंतिम पंक्ति अर्थात जो 16वीं पंक्ति होगी सबसे ऊपर वाली, उसमें आपके पास हो जाएगा 20 प्लस ये देखो 15 और d का मान माइनस 1, अर्थात 20 माइनस 15 हो जाएगा, तो ये माइनस 5 आपके पास आ गया, सॉरी ये प्लस का 5 आ गया। अर्थात आपको ये समझ में आ गया कि जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी
उसमें आपके पास पांच लट्ठे रखे जा रहे होंगे। तो ये तो आपके पास अभी सही भी लग रहा है। चलिए अब हम दूसरा केस ले लेते हैं कि यदि आप n बराबर 25 को हल करते, मतलब आप n बराबर 25 को सही मान लें, मतलब आप कुछ ऐसा मान रहे हैं कि आपके पास जो टोटल पंक्तियां बन रही हैं वो 25 पंक्तियां हैं, तो आप सबसे ऊपर वाली पंक्ति अर्थात 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकालते तो वो आ जाती a प्लस 25 माइनस 1 गुणा d। तो आप देखो a और d का मान रख दो यहां पर, तो a का मान तो 20 हो गया, ये 24 आ गया और d का मान माइनस 1 हो गया, तो ये 20 माइनस 24 आ गया, तो यहां से आपको a 25 जो मिलेगा वो माइनस 4 मिला। तो आप देख रहे हो क्या जो a 25 माइनस 4 ये तो गणना करने पर आया है, लेकिन आप तो गणना लट्ठों के लिए कर रहे हैं, तो सोचिए क्या किसी पंक्ति में लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकती है, तो आपको पता लगेगा ऐसा तो संभव ही नहीं है, तो इसलिए आपके पास ये केस असंभव हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि केस दो आपका गलत हो जाएगा, मतलब आप इसकी गणना करेंगे ही नहीं, और केस वन आपके पास सही हो जाएगा। अब केस वन सही हुआ इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि आपके पास ऐसी 16 पंक्तियां होंगी और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में, मतलब 16वीं पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या होगी वो आपके पास हो जाएगी, जो आप निकाल चुके हैं देखिए वो आपका आंसर 5 आया था। तो इस तरीके से सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या भी आपने निकाल दी है। तो अब हम इस प्रश्नावली 5.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 20 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक आलू दौड़ अर्थात पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। आप देख सकते हो आपके पास ये एक बाल्टी रखी हुई है। फिर आपको आगे बोला गया कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तो आप यहां पर देख भी पा रहे हैं कि ये पहला आलू है आपके पास और ये दूरी आपके पास 5 मीटर है। फिर आपको बोला गया कि अन्य आलुओं को एक सीध में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये पहला आलू है तो ये आपके पास दूसरा आलू हो गया, ये आपके पास तीसरा आलू हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखो ये आपके पास चौथा आलू हो गया, ये ऐसे टाइप के आलू रखे हुए हैं आपके पास, तो इन सबके बीच में आप 3 मीटर की दूरी पा रहे हैं। फिर आगे आपको बोला गया है कि इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस तरीके से आपके पास 10 आलू टोटल रखे हुए हैं, आप गिन भी सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10। अब आगे आप पढ़ेंगे प्रश्न को तो आपको बोला गया है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे वापस लेकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। इसी तरीके से दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर फिर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और आपको कुछ संकेत दिया है। तो देखिए पेपर में जब सवाल आएगा तो संकेत तो नहीं दिया होगा, तो आपको अपनी तरफ से ऐसा प्रश्न करना है, हम संकेत को पढ़ते ही नहीं है यहाँ पर। तो आप ये देखो कि सबसे पहले जो ये प्रतियोगी होगी वो बाल्टी से चलेगी, तो देखिए वो इतना चलेगी, उसने यहां पर देखो आलू उठाएगी क्योंकि पहला आलू देखो यहां रखा है, और फिर वो वापस यहां पर चली जाएगी। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि पहली प्रतियोगी जो टोटल दूरी तय करेगी वो हो जाएगी 5 प्लस 5, क्योंकि 5 इधर जाने में और 5 वापस आने में बाल्टी की तरफ। तो इस तरीके से तो जो आपके पास पहला आलू जो उठाएगी प्रतियोगी उसके लिए 10 मीटर की दूरी तय करेगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहला आलू के लिए, इसमें अपने दोनों काम हम सम्मिलित कर लेते हैं, उठाना और बाल्टी में डालना। तो देखो जो पहला आलू के लिए प्रतियोगी दौड़ेगी तो वो 5 मीटर दौड़ेगी और 5 मीटर वापस भी जाएगी, तो ये 2 × 5 हम लिख सकते हैं अर्थात 10 मीटर की दूरी उसने तय कर ली। अब इसी तरीके से अगर दूसरे आलू के लिए हम बात करें तो आप देखो दूसरे आलू के लिए मैं भी हम दोनों काम
कंबाइंड कर रहे हैं कि दूसरे आलू को उठाएगी और फिर वापस पानी उस बाल्टी में डालेगी। तो आप देखो दूसरे आलू को उठाएगी मतलब अभी वो यहां पर होगी प्रतियोगी, तो दूसरा आलू मतलब इतना चलेगी और फिर इतना ही वो वापस आ जाएगी। तो आप देखो ये आपके पास हो जाएगा दो गुणा। अब यहां से देखो टोटल दूरी चली होगी उसने दूसरे आलू के लिए 5 + 3। आप देख सकते हैं पहले आलू से 5 था फिर 3 था, तो टोटल 8 × 2 हो जाएगी अर्थात 16 मीटर आ गई। इसी तरीके से अगर हम तीसरे आलू की बात करें तो देखिए तीसरे आलू के लिए हम बात कर लेते हैं, तो उसमें भी हमने दोनों काम सम्मिलित कर लिए कि तीसरे आलू को उठाना और फिर उसे वापस बाल्टी में डाल देना। तो तीसरे आलू के लिए जो दूरी तय हो जाएगी वो 2 गुणा। अब आप देखो तीसरा आलू आपके पास यहां पर कहीं है, तो अब वो देखिए मैं यहां पर पेन से बना रहा हूं, मैं यहां पर इसको पहले रफ कर देता हूं। अब आप देखो तीसरे आलू के लिए वो यहां से देखिए यहां तक तो जाएगी और फिर वो वापस आ जाएगी। तो अभी आपको यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है, तो आप देखो 5 + 3 + 3 अर्थात आपके पास 11 मीटर तो वो इधर बाईं तरफ चली और 11 मीटर ही वो वापस चल गई, तो 2 × 11 कर दोगे अर्थात 22 मीटर हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि जो चौथा आलू होगा तो आप देखिए यहां पर जो दूरी तय होगी उसके लिए, तो चौथे आलू के लिए वो यहां पर आएगी यहां तक, तो आप देख रहे हो 3 मीटर और एक्स्ट्रा तय कर ली होगी, तो अब वो टोटल 14 मीटर तो आगे जाएगी आलू को उठाने के लिए और 14 मीटर वापस पीछे जाएगी बाल्टी में डालने के लिए। तो इस तरीके से 2 × 14 दूरी तय करनी पड़ेगी चौथे आलू के लिए, तो आपके पास टोटल 28 मीटर चलना पड़ा उसे। तो इस तरीके से देखो आपके पास एक सीरीज बन गई। अब उस सीरीज के यदि मैं टर्म्स लिखूं तो पहला पद है 10, फिर 16, फिर 22, फिर 28 और इसी तरीके से आपको लिखना है। अब आपको ये पता है कि ऐसे आपके पास 10 आलू थे मतलब आपको 10 पदों तक ऐसा कुछ सीरीज बन रही होगी अर्थात 10 पदों तक एक श्रेणी बन रही होगी। अब यहां से आप देखो कि सबसे पहले आप ये देखो A2 - A1 निकालिए अर्थात दूसरे पद में से पहला पद, तो 16 - 10 मतलब 6 आ गया। इसी तरीके से A3 - A2 निकालोगे तो 22 - 16 अर्थात 6 आ जाएगा। A4 - A3 मतलब चौथे में से तीसरा पद घटाओगे तो 28 - 22 वो भी 6 आ रहा है। तो आपको देखिए एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये जो श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी अर्थात AP बन रही है, क्योंकि आप देख रहे हो जो अंतर है वो हमेशा आपके पास बराबर आ रहा है। तो यहां से अब आपको पता लग गया कि पहला पद तो आप AP का 10 लिख लेंगे क्योंकि सबसे पहले वही लिखा हुआ है, और जो सार्वंतर हो जाएगा वो आपके पास 6 आ गया। अब आपको तो बोला गया है कि वो टोटल कितना दूरी तय करेगी प्रतियोगी, तो अभी आप देखो टोटल जो दूरी होगी वो बेसिकली 10 पदों का योगफल हो जाएगी, क्योंकि एक आलू को उठाने में 10 मीटर चली, दूसरे आलू को उठाने में 16 मीटर, तो अगर वो 10 आलुओं को उठाए तो वो सबका बेसिकली योगफल हो जाएगा। तो S10 मतलब आप सभी का योगफल कर दोगे 10 मीटर पहले आलू के लिए प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 प्लस, और इस तरीके से आपको 10 आलुओं के लिए लिखना है मतलब 10 पदों तक आपको लिखना है। तो अभी आपके पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला होता है वो SN = N/2 2A + N-1 × D। अब आप इस फॉर्मूले का देखो उपयोग करोगे तो SN मतलब ये हुआ कि आपको 10 पदों तक योगफल निकालना है, तो ये आ जाएगा 10/2 2 A का मान आपके पास 10 है तो 2 × 10 आपके पास 20 आ गया प्लस N का मान 10 - 1 D का मान आपके पास 6 हो गया। तो अभी आप देखो यदि आप इसको थोड़ा सरल करो तो ये आपको मिल जाएगा S10 बराबर, अब देखिए 10/2 यदि आप करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, अब ये तो 5 आ गया। अब देखो 20 प्लस ये आपके पास देखो 9 है क्योंकि 10 - 1 9 हो गया और फिर आपको 6 से गुणा करना है, तो 9 × 6 मतलब 54 आ गया। तो इस तरीके से S10 हो जाएगा आपके पास 5 गुणा। अब देखो 20 + 54 यदि आप करोगे तो वो 74 आ जाएगा, तो S10 आपके पास 370 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल तय दूरी की गई होगी प्रतियोगी द्वारा वो तय दूरी आपके पास 370 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने यह प्रश्न भी हल कर दिया है।